वो हाईलाइट कर दीजिए आपके स्क्रीन पर। पिछले बार तो हाईलाइट नहीं हुआ था। मैं आप सब लोग का अभिनंदन करते हुए, और माता जी तो अभी तक आई नहीं है, तो ठीक है। तो फिर हम लोग पहले, क्योंकि उनका फोन आया था, उन्होंने कहा था कि प्रभु जी मेरा क्लास मिस हो गया थोड़ा, आप पिछले सत्र का 2.7 जो है वो आप थोड़ा सा बताइएगा। तो मैंने कहा था जरूर, तो माता जी आती हैं तो फिर उनको थोड़ा हम बाद में, तब तक हम लोग आज का जो है वो पिछले सत्र में 2.11 जो है छूट गया। हम लोग को हरे पिछले से कृष्ण सब, बोलिए, प्रणाम प्रभु जी, सॉरी हरे फॉर कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण बोल हरे दीजिए, प्रणाम, लेट हो गया। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ सुचंदा माता जी का और इंद्रनील प्रभु। तो ठीक है, अभी मैं शेयर कर लेता हूँ पहले श्लोक, और उसका हम सब लोग थोड़ा सा तात्पर्य जान लेंगे। एक हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। अब मेरी आवाज आप लोग तक ठीक से सुनाई दे रही है? अच्छा, यस प्रभु जी, यस प्रभु ठीक है, ठीक है माता जी, थैंक यू जी, सो मच प्रभु जी। और मैं 1 मिनट पहले तो मैं टू होस्ट मतलब मैं एक दो लोगों को बना देता हूँ तत्काल। ओके, हाँ अच्छा, हम सब लोग अभी ये श्लोक का पहले थोड़ा सा हम लोग उच्चारण करेंगे, और उसके बाद आगे इस श्लोक का हम लोग भाष्य को, और इसके इस श्लोक का क्या महत्व है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्री भगवान वाच, तो हम सब लोग शुरुआत करते हैं। श्री भगवान वाच, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है? श्री ठीक है प्रभु। भगवान वाच, श्री श्री भगवान भगवान वाच अशोचायन अनुशोच अशोचायन अनुशोचम त्वम प्रज्ञावादान च भाससे, प्रज्ञावादान प्रज्ञावादां गता सुना गतासुनश्च, गता सुना गता गतासुना सुना गता नानु शोचन्ति पंडिता, नानु नानु सोचन्ता शोचन्ति पंडिता पंडिता। फिर से एक एक बार हम लोग करेंगे। अशोचायन श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, भगवान अशोचायन अन्वशोच त्वम अशोचाय प्रज्ञावादान च भाससे, प्रज्ञावादान अन्वोचाय प्रज्ञावादं गतासुनश्च, नानु शोचन्ति पंडिता, नानु शोचन्ति पंडिता। पंडिता। अच्छा, अब मैं दो दो लाइन एक साथ बोलूंगा, उसके बाद आप लोग रिपीट करिएगा। श्री भगवान वाचा अशोचायन शोचा त्वं प्रज्ञावान च भाससे, श्री श्री भगवान उवाच अशोचायन सर्वांचा गता सुना गता सुनस्य चा नानु शोचन्ति पंडिता, प्रज्ञावादं अब मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा फिर आप लोग एक बार उसको करेंगे। श्री भगवान उवाच अशोचायन
असोचा यनन सोचा त्वं प्रज्ञा वादां च बाससे गता सुना गता स्वच्छ नानु सोचन्ति पंडिता। श्री भगवान श्री भगवान उवाच वाचा असोचा यननु प्रचोया त्वं प्रज्ञावादतं च वाचसि गता गता सुनातं च नानु सचन्त पंडितः। अच्छा कोई कोई अभी आप लोग में से माता जी या प्रभु जी आप लोग रेस करिए हाथ, एक 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 बार आप लोग श्लोक पूरा पढ़िए, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग पढ़ के सुनाइए सर। ओके तरस माता जी, ठीक है, उठाइए बोलिए। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश भाषसे गता सूना गता सुमश्च नानु शोचन्ति पंडिता। अच्छा और कौन रेस के अभी माता जी, आप तो सीधा मतलब एमए मतलब मास्टर से कर लिए, ठीक है। दूसरा कोई फिर दूसरा, हाँ पद्मावती माता जी, हाँ बोलिए प्लीज। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासो न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पण्डिताः। आप भी मास्टर्स। पद्मजा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री माता भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गत सोचन्ति पंडित, हरे कृष्ण। माता जी का लगता है सिग्नल लॉस कट हो गया। गया। ओ अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम सब लोग वो मेरे ख्याल से उसको लिंक में प्रॉब्लम हुआ होगा। अच्छा ज्वाइन करती हैं तो ठीक है। अभी हम सब लोग एक एक व्यक्ति, अभी सरस माता जी को छोड़कर, पद्मावती माता जी को छोड़कर, और दूसरे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, पहले हम सब लोग ये शब्दों का जो है यहाँ पर मीनिंग दिया है उसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी, दस जी मैं मिनट अभी पढ़ूं। चला हरे गया। कृष्ण को हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भगवान भगवान वाचा श्री भगवान ने कहा अशोचन जो शोक योग्य नहीं है अनवो शोच शोक करते हो तुम प्रज्ञा प्रज्ञावादा पांडित्य पूर्ण बातें च भी भाषा से कहते हो गत चले गए रहित असून प्राण अगत नहीं गए असून प्राण च भी ना कभी नहीं अनुशोचंती शोक करते हैं पंडित विद्वान लोग। ठीक है माता जी, थैंक यू। अभी भावार्थ कौन पढ़ेगा? धन्यवाद। कोई? हाँ ओके, अभय चौधरी प्रभु पढ़िए आप। श्री भगवान ने कहा तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं होते हैं। वे न तो जीवित जीवित के लिए ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। सॉरी, जो विद्वान होते हैं, मैं मिस कर गया था, जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। अच्छा तात्पर्य कौन पढ़ेगा? पढ़ू प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो वह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानता है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति के अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है।
और चूंकि इसमें वह ज्ञान का अभाव है अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस सत्य को जानता है वही असली विद्वान है, और इसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। मैं शेयरिंग बंद करता हूँ और फिर अभी आप लोग के साथ में। हरे कृष्णा। ओके, सुचंद माता जी ज्वाइन, इंद्रनील प्रभु ज्वाइन किए हैं माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा सुचंद माता जी। अभी हम सब लोगों ने स्टार्ट कर लिया है तो दंडवत क्लास के, प्रभु, हाँ, बाद में मैं 2.7 पे थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ओके, तो अभी टू पॉइंट ये जो श्लोक है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों श्लोक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ भगवान भगवान जो है अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम मूर्ख हो, तुम पंडित बनना चाहते हो लेकिन तुम मूर्ख हो। अच्छा, अगर अगर मैं अभी अभय चौधरी प्रभु, हम ठीक है, मैं नहीं, मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड, अब मैं बोलूंगा तब तो मैं बोलू अभय प्रभु आप मूर्ख हो। अभय प्रभु बोलता है मैं तो अभी अभी क्लास छोड़ के जाता हूं क्यों। लेकिन वहां पर क्या है कि एक मित्र, एक सखा, एक, और अर्जुन को मालूम है कि भगवान है। अर्जुन ने तो उनको चुना ही था कि मुझे तो नारायण चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे साक्षात नारायण चाहिए, तो उनको मालूम है। तो इसलिए अब जैसे हमारे स्कूल में जो यहाँ पे कोई टीचर है, कोई यहाँ पर स्कूल टीचर या कोई भी टीचर के रूप में, नहीं ठीक है, स्कूल हम लोग बचपन में देखते थे, हमारे टीचर हम लोग को बोलती थी, कुछ भी बोलती थी, हम लोग कभी रिएक्ट करते थे? नहीं करते थे ना। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान को का अर्जुन अर्जुन ने कहा 2.7 में क्या कहा कि अब तो मेरा गति गति जो है मति सुन हो चुका है, मैं आपको शरणागति ले रहा हूं। आप कृष्ण बोले भाई मैं कैसे तुमको ज्ञान दू, मैं तो दे नहीं सकता हूं, बिकॉज मैं जो हूं वो तुम्हारा मित्र हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे गुरु हैं अभी। हाँ, अब गुरु मान लिए तो भगवान कृष्ण कोई भी रोल प्ले कर सकते थे। वो यशोदा मैया के लिए दूध पीता बच्चा भी बनकर और माखन चुराते थे, और गए गौ माताओं को लेकर वो गाय चराने जाते थे, गाय बछड़ों को, और 6 महीना की उम्र से कितने सारे राक्षस को बचपन ही मार दिए। देखिए बड़ा सुंदर है। मैं मुझसे एक दिन मैं अभी बीच में मैं जब आप लोग के साथ में चर्चा में था तो पिताजी के साथ बैठा हुआ था, तो पिताजी के साथ बैठा हुआ था तो गीता पढ़ते हैं तो उनसे बात हो रही थी। बोले देखिए पापा, राम जो थे, भगवान राम ने मर्यादा में रहकर 14 साल तक उन्होंने मतलब माता पिता का प्रेम, भ्राते प्रेम, और अयोध्या में रहकर राजकुमार के जैसा रहे। कैसा रहे? राजकुमार के जैसा रहे, और राजकुमारों की उनकी जैसे उनको ट्रीटमेंट जो मिला वो राजकुमारों की है। और साथ साथ में 3 छोटे भाई, तो मतलब भ्राता जो होता है, बड़ा भाई जो है तो मतलब श्रेष्ठ, और उनको उनकी गुरुकुल में ये एजुकेशन हुई। उनकी लीला जो शुरू हुई वो 14 साल के बाद शुरू, 14 साल ज्ञानवान सब प्राप्त कर लिए, अब उसके बाद जो है ताड़का और ये सब स्टार्ट हुआ और आगे चलता रहा। और भगवान करीब करीब सब, मुझे जहां तक लगता है तकरीबन एग्जैक्टली अगर कहा जाए 14 साल का वनवास था तो 30 के आसपास में वो वापिस अयोध्या आ गए, 30 साल की उम्र में, और उसके बाद 10,000 साल तक राम राज्य। लेकिन यहाँ कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण बचपन से ही लीला कर रहे हैं, लीलाधारी कृष्ण जो है पूतना को मार दूध पीते पीते मार दिए। एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा को यशोदा मैया ने वो खाट मतलब बैलगाड़ी का जो होता है उसके नीचे में रख दिए, एक लात मारे तो वो शक्टासुर था उसका खत, मतलब कि तृणावर्त से लेके एक कालिया नाग के ऊपर में खड़े होकर नाच रहे हैं। अब ऐसा ऐसा काम करते थे कृष्ण भगवान ने, तो पूरा का पूरा लीला उन्होंने 14 साल के पहले ही उन्होंने कंस को, चारू को मार, मतलब कि सब चीज कर दिया।
इसलिए वो लीलाधारी पुरुषोत्तम है। और कहा गया है कि इसीलिए उनका जो कहा जाए कृष्ण की जो लीला है बड़ी रमणीय है, और कृष्ण जब अपने मुख से कुछ बोलेंगे तो वो अति आनंददायक होती है और ज्ञान परिपूर्ण। ऐसा नहीं है कि भगवान राम के मुख से निकली हुई वाणी अब जो है वो लोग सुने नहीं है, राम की कथा मैं करता हूं तो मुझे मुझे बहुत आनंद आती है, वो भी खासकर जब रामचरितमानस को लेकर तुलसीदास जी का रचित जब अवधि में मैं बोलता हूँ तो उसका जो कथा होती है वो अपने आप में मतलब अति रोमांचित करने वाला। लेकिन कृष्ण की लीला जो है वो मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, शब्दों के द्वारा बता नहीं सकते। तो यहाँ पर अर्जुन को वो बोल रहे हैं, तो बोलते कि भगवान कहते हैं रोने से कुछ नहीं होने वाला है, अब तुम बैठ के रो रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला है यह, क्योंकि लेकिन अगर ऐसा बोल के भगवान उसको कह दे कि कुछ नहीं होने वाला तो अर्जुन तो और हताश हो जाएगा। ऐसे ही उसका कंडीशन हताश मतलब कंप्लीटली डिजेक्टेड कंडीशन में है। अब आप मान लिया जाए कि आप जो है अपने बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट के पास अपना समस्या लेकर जाएंगे, हरे कृष्णा मेरी बातें आप लोग तक समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ यस प्रभु प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, समझ में आ रही। ठीक है ठीक है। बीच में थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दे तो थोड़ा तो मैं भी ब्रह्म में ना जाऊं। जी तो प्रभु जी, प्रभु जी, अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने किसी भी बहुत ही प्रिय और उसके पास जाके अपनी समस्या रखे और वो हमें बोल दे इस तरह की बातें और बोलते हैं कि इसका तो कुछ भी नहीं, तो हमारी हताशा और बढ़ जाएगी। हम समस्या का समाधान करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर कृष्ण है, भगवान कृष्ण खुद खड़े हैं अर्जुन को लेकर। अर्जुन को जब अर्जुन लेके गए वहां पर बीच में, तो अर्जुन को मतलब कि मैदान में शंख बज चुका सब कुछ हुआ। अब युद्ध के अचानक से बीच में बोलते कि मेरा पैर कांप रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, तो बोलते जरा मुझे बीच में ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अब युद्ध की शुरुआत होने वाली है और तुम कहते हो कि बीच में चल। ठीक है, भगवान सारथी थे तो पार्थ सारथी बने, तो उन्होंने कहा जैसा आदेश, अब तो जो सारथी है वो तो जो चालक है उसका ही आदेश मानेंगे, तो चलो ठीक है ले गए। तब उसके बाद उन्होंने कहा है देखिए आप चिंता करेंगे, मान लिया जाए कि मैं एक प्रश्न आपसे ऐसा बोल रहा हूँ, आप घर में बैठकर चिंता करेंगे और बोलेंगे कि मैं भूखी हूं, चाहे मैं भूखा हूं मुझे भूख लगी हुई है, तो इससे कुछ प्राप्त होगा? नहीं नहीं प्रभु जी, हमें हमें उससे हमें कुछ प्रयास बनाना पड़ेगा, हमें परिश्रम हाँ करना पड़ेगा। हाँ हाँ हमें तो प्रयास करना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा है ना, बिना बनाए तो भोजन मैनिफेस्ट नहीं हो जाएगा। आपका मन किया गुलाब जामुन खाने का, तो हम सब लोग तो बाहर नहीं खाते हैं, नहीं तो आजकल स्विगी व्विगी सब आ गया वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम हम लोग को मालूम, हम लोग को तो भोजन अपना करना है तो हमको तो बनाना पड़ेगा कि नहीं? अगर नहीं जी प्रभु बनाएंगे तो हमको हम मैनिफेस्ट कर दिए, मैनिफेस्ट मतलब डाल दिए, बोल दिए कि हाँ गुलाब जामुन, तो ऐसा थोड़ा होता है कि प्रकट हो जाएगा। हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि ये जो वास्तविक रूप से जिस कर्तव्य बोध के से अर्जुन वहां पर आए थे, अर्जुन क्यों आए थे? अच्छा कृष्ण वहां पे क्यों खड़े थे? अर्जुन और पांडवों के हक को दिलाने के लिए ना, वो तो शांति दूत बन के गए। शांति दूत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध अवश्यम्भावी है और कृष्ण जानते थे कि धर्म युद्ध है, तो इसीलिए अगर अच्छा मान लिया जाए कि हम एक और चीज आप लोग से बोलते हैं, ये सब चीजें मैं इसलिए सुना रहा हूँ जिससे कि आप लोग का जो मीनिंग है ना वर्ड का, जो अभी हम लोग जो श्लोक का पढ़े हैं वो आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। जो भी है वो निश्चित है कि नहीं, आप क्या बोल सर, निश्चित है कि नहीं? जो भी जी ये जो क्लास होना था इस वक्त में वो भी निश्चित था? पहला दिन छोड़ दीजिएगा, जी पहला दिन छोड़ दीजिएगा, पहला दिन तो मैं ही कंफ्यूजन में था, वो तो अभय प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु जी आज इंट्रोडक्शन है, तो ऐसी इंट्रोडक्शन हुई कि मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हम तो क्लास जो निश्चित है उसको तो निश्चित है, उसको तो होना ही होना है, वो हम रोक नहीं सकते। श्री स्वामी जी का एक्चुअली में गीता भाष्य बहुत सारे गीता भाष्य में है, हम लोग जनरली अपने प्रभुपाद का, क्योंकि गीता मैंने भी अगर हमारे घर में दो दो तीन तरह की गीताएं थी, गीता मतलब पुस्तक, एक तो सबके घर में रहती है, कौन सा है? भागवत गीता, गोरखपुर, गोरखपुर गोरखपुर गोरख यथारूप,
गोरखपुर का गीता प्रेस, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का 100% सबके पास रहती है। हमने पढ़ा, मेरा इधर से कुछ भी नहीं समझ में आया, आंख से देखा मुंह से बोला कुछ नहीं समझ में आया। उसके बाद एक और कोई गीता था, कोई कितने किसी ने कमेंट्री लिखी थी, हम बोले ये आदमी कमेंट्री लिखा है या क्या लिखा है, पता नहीं कि कौन सा कथा बात कर। अंत में प्रभुपाद की गीता पकड़ा उसे। लेकिन हमारे और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे श्रीधर स्वामी है, हमारे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी है। रामानुजाचार्य मतलब लक्ष्मण जी के अवतारित भाव में वो प्रकट हुए थे 1020 में, 1020वीं शताब्दी में, जो श्री संप्रदाय के मतलब गुरु कहलाते हैं। तो उनका भी भाष है। तो श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कि देह और आत्मा के अविवेक से जिन अर्जुन को इस प्रकार का शोक हो रहा था, सुनिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि गीता थोड़ा क्या है ना, थोड़ा सा एकदम एक आधे घंटे 45 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, आपके घर में खाना बना कि नहीं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपने आपका क्या काम छूट गया है, ये सब चीज भूलकर थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हिंदी में जो शब्द का प्रयोग होगा उसका मीनिंग अगर नहीं समझ पाएगा तो कनेक्शन नहीं होगा। वो तो मैथमेटिक्स है, जैसे मैथमेटिक्स को अगर हम एक लाइन भी अगर छूट गया तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसीलिए जो भी बोलेंगे, क्योंकि तो मैं लिख के सूत्र को आप लोग के सामने में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपको जो उस इस श्लोक का इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं, ये उन्होंने उनका कहना कि देह और आत्मा के अविवेक से जिन अर्जुन का इस प्रकार से शोक हो रहा था, उनके अविवेक का प्रदर्शन के करने के लिए भगवान यह श्लोक कहते हैं। असोच असोच मतलब आप जो सोच रहे हैं वो सोचना क्या उचित है आपका? अच्छा मैंने लास्ट लास्ट सत्र में माता जी ने, अच्छा इंद्रनील प्रभु थे क्या? इंद्रनील प्रभु थे माता जी? नहीं, हम लोग रामानुजाचार्य टेम्पल में गए थे कार्तिक यात्रा में, दोनों ही अच्छा, ठीक है लास्ट ठीक, क्लास में नहीं थे। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग अप। तो हाँ कोई उनको बात आप नहीं प्रभु उनको जी। मंजे कर दीजिएगा, मतलब मुझे भी मिल जाएगा, ऐसा है, क्योंकि हम लोग हाँ तो अच्छा, फैमिली है। मेरे तो हाँ आज उन्होंने माता जी ने मुझे फोन करके अपना जो है उन्होंने जी, बता दिया था कि पूरा हमारा दोनों। तो आप पहले तो दोनों आदमी को आप ढेर सारी बधाई, आप लोगों ने गुरु आश्रय ले लिया, तो आप लोग जल्दी से आप लोग आपका भी नाम दीक्षा आपको मिले, और गीता गीता का जो महा आपका आश्रय में, आपका और ऋषिकेश प्रभु का आश्रय में है अभी हम लोग, नहीं ताकि आगे जा सके, और कुछ नहीं। नहीं नहीं जरूर हमारी पूरी मैं मेरा तो आशीर्वाद तो पूर्ण रूप से माता जी और प्रभु जी आप दोनों को है, और जी भगवान का जी आश्रय ग्रहण करना। देखिए मैं आगे बोलने वाला था लेकिन अभी बोल दूंगा तो फिर पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि तो आप सब लोग जितने भी हम सब लोग यहाँ पे हैं उनको कुछ मैं बोलूंगा लास्ट में बोलूंगा, अभी बोलूंगा तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बल बताना चाह रहे हैं प्रभु इंद्रनील प्रभु जी, आपका बर्थ कब हुआ? मैं मतलब मेरा बात नहीं है, आई एम इटर्नल। अभी ये अच्छा शरीर का, ये शरीर का बात 1982 में हुआ, तो जिसमें मैं हूं। इसका मतलब है कि आप क्लास में कुछ तो सुने हैं, तो नहीं, बिल्कुल, निश्चित मेरा डायरी भर रहा है पूरा, मतलब पॉइंट्स और ये, बिकॉज वेरी बहुत अच्छी बात है। हाँ तो देह और आत्मा का अंतर जब आप समझ गए आप सभी लोग, तो सीधा आप अभी बताइए अर्जुन जो ये अंदर से हताशा हो रहे हैं और वो क्रंदन कर रहे हैं, वो क्या है? कार्पण्य दोषो पाता स्वभाव, क्योंकि जी अर्जुन जो है क्या है, कार्पण्य दोषो वो कृपण होके, मतलब ज्ञान नहीं है इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। तो अभी इस भाव को तो सब भगवान सुन रहे हैं समझ रहे हैं, और वो बोलना वो क्या बोलते हैं, असोचायन असोचस, असोचायन असोच, ये सोचने की जो तुम्हारी प्रवृत्ति है ये गलत है, क्या ये सही है? जो शोक के विषय ही नहीं उन बंधुओं के लिए जो निरंतर शोक कर रहे हो, यह कहकर तत्पश्चात जब मेरे द्वारा तुम प्रबोधित इन शब्दों में कथा कहा गया ये कि अगर कृष्ण बोलते हैं जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है, अब आप सोचेंगे प्रभु क्या बोल,
जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। किस चीज की बात मैंने की? दो चीज सिंपल है। हम लोग आत्मा देखिए, हाँ, देह और आत्मा। देह अभी है, आत्मा भी हमारे साथ में है, लेकिन वही आत्मा, वो देह बाद में खत्म हो रहा है, आत्मा तो है, आत्मा तो शाश्वत है, हम सब लोग जानते हैं। इस शरीर का रूपांतर कितनी बार हो चुकी है अभी तक, आप सब लोग को मैंने पहले बताया, और ये हम बार बार रिपीट करेंगे। तो गीता में भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, 18.66, 18.67, लास्ट अध्याय का लास्ट जो है, कुछ श्लोक के पहले जाकर अर्जुन जो है वो तैयार होते हैं युद्ध करने के लिए। और युद्ध करने के लिए नहीं, कृष्ण जो आप आदेश दोगे वो मैं करूं। तो कृष्ण भगवान बोले कि युद्ध करो। तो सोचिए अभी 18वां अध्याय तक चलेगा हम सब लोग का ये प्रक्रिया। तो जो भी प्रबोधित रूप, मतलब जो बोला है 18.66, यस प्रभु, तो 18.66 यहाँ तक के 67, 67, फिर भी हाथ गाल पे हाथ रख के भगवान कृष्ण को देख रहे हैं। तो भगवान ने बाद में उनको कहा कि अब तुम्हें मैं बोलता हूं, तुमको मैं सब कुछ बता, तब जाकर, खैर उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी इस आ, आ, जो विषय है जहां पर कृष्ण भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, और बाद में मैं आपको समरी में कुछ चीजें बता दूंगा जो कि आप लोग लिख सकते हैं। श्रीपाद, श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा कि, ये भी अनुवाद को ही बता रहे हैं, श्लोक का अनुवाद ही बता रहे हैं, कि तुम उनके लिए शोक क्यों करते हो जो शोक के योग्य नहीं। अच्छा बताइए, जो व्यक्ति आपको कष्ट देता है उसको मान लीजिए कुछ हो रहा है तो आपको शोक करना चाहिए? बोले नहीं प्रभु जी, हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते मेरे मन में जो है वो दया ममता ये है सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, कष्ट आपको हो रहा है, ठीक हाँ प्रभु, है, मानसिक कष्ट हो रहा है, लेकिन वास्तविक में आत्मा को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, आत्मा हाँ जो है इन सब चीजों से परे है। कष्ट कहाँ हो रहा है? शरीर को, शरीर शरीर को, मन मन को, मन को, हाँ, और मन, मन कहाँ पे है? मन याद शरीर रखिए, का एक का इंद्रिय है। हाँ नहीं, हाँ प्रभु ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। अब याद रखिए प्रभु जी, तीन चीजें, हमारा शरीर बाहर का स्थूल शरीर, ठीक है, अंदर उसके अंदर में एक और शरीर है, वो कौन सा है? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन शरीर, बुद्धि अहंकार और से उसके, बना, हाँ, मन बुद्धि अहंकार, उसके अंदर में पर आत्मा, परमात्मा। आत्मा परमात्मा, हाँ। तो ये सोचिएगा, अभी मैंने जो आपसे कहा वो कहाँ पे हो रहा है इफेक्ट? मन, जो आपने कहा ना, मन के ऊपर में, मन मन के ऊपर में नहीं, हमारा फॉल्स ईगो पे हो रहा है। मान लीजिए हमको कोई अपशब्द कह रहा है, वो अपशब्द क्या आके फेविकॉल के जैसे हमारे पर चिपक रहा है? शरीर पे तो नहीं चिपक नहीं रहा है, हमारे नहीं अंदर सूक्ष्म शरीर को महसूस हो रहा है। वो क्या महसूस कर रहा है? ये मुझे गाली दे रहा है। अरे गाली दे रहा तो क्या होता है, शरीर तो आपका वैसे ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो, उसी को, उसका एनर्जी जा रहा है मुझे बोलने से। मेरा तो कुछ, मेरा नाम रघुनाथपुरी दास वो तो बदलेगा नहीं, मेरा नाक नक्शा चेहरा वो तो कुछ बदलेगा नहीं, गाली देते रहो, देते तुमको जूता देना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम इन सब चीजों से परे नहीं होते हैं। और इसी कारण हमारा जो है जन्म जो है ना, पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरण होते रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को आत्मा लेकर जाती, और अनेकों अनेक जन्म होता है। इंप्रेशंस, जो इंप्रेशंस आएगा ना सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि अहंकार के कारण, मन बुद्धि अहंकार के कारण जो है, जो इंप्रेशंस आएगा आपका जन्म होता रहेगा अकॉर्डिंग टू, और वो सूक्ष्म शरीर लेकर आप धारण करके। तो आप पूछेंगे कि प्रभु जी फिर भगवत धाम का जो प्राप्ति वो कैसे हो, प्रश्न आएगा ना, जिस दिन वो सूक्ष्म शरीर भी रह जाएगा, मन बुद्धि अहंकार, मतलब रति मात्र का भी हमारे मन में कोई, सब कुछ किससे जुड़ी हुई है? इच्छा। और हमारा छह सबसे अच्छा फ्रेंड कौन सा है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग,
जो हमारा हम मतलब मनुष्य का सबसे अच्छे मित्र कौन है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ऐसा सही फ्रेंड है क्या? नहीं 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 प्रभु जी, शत्रु है, फ्रेंड नहीं है। ये छह जो हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन, और इसी के कारण हमारा स्थूल शरीर के अंदर में जो ये हमारा जन्म भी हुआ था, स्थूल शरीर में प्रकट कैसे होता है हमारा फॉल्स ईगो की वजह। पहला चीज जो आता है फॉल्स, उसके बाद फॉर्मेशन होता है, तो फॉल्स ईगो यही चीज हमको बार बार अहंकारित करता है और हमको भटकाते रहता है, हमें अपने पद चिन्हों पे चलने नहीं देता है। रामानुजाचार्य बोलते हैं शोक क्यों करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। कौरवों का जो व्यक्ति संबंध में भाई लगता है और वही व्यक्ति बोल क्या रहा है कि सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा, तो उस व्यक्ति के लिए शोक क्यों करना? हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए माँ। आपने बोला है कि जब कोई गाली दे रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ बोल रहा है, बुरा कुछ बोल रहा है, तो उस टाइम पे तो गुस्सा आता है प्रभु। तो गुस्सा क्यों करना है उस टाइम पे? क्यों कान बंद करी चल जाओ यार, मैं सुनते मैं सुनूंगा ही, तुम गाली दे दो ट्राई कर लो, पर वो लोग हर बार कर देते बोलते हुए, ये नहीं सोचते कि सामने वाले। हाँ बोलिए, वो लोग हर बार कर देते बोलते हुए क्या करते हैं जी? वो लोग हद पार कर देते बोलते हुए, हद पार कुछ भी, हद पार कर देते तो हम तो हद नहीं ना पार करेंगे आप लोग। हाँ जी, लेकिन हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं ना, तो उन लोग को ईर्ष्या होने लगती है, अरे ये तो बहुत आगे बढ़ जा रहा है, अरे ये अरे वो, और वो लोग 10 लोगों को बोलते हैं जाके। यस, तो आप सही बोल रहे हैं, ये दुनिया पूरा, ये मैंने तो अभी बता दिया हमारा ब्रेस्ट फ्रेंड, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, ये सब चीज जो है हमारे साथ में लगा हुआ, और यही हमको विडंबना में डालता है। तो गाली दे रहा दे, हमारा ना तो धन लेके जा रहा, मतलब सब धन तो सबसे ज्यादा है, तो ना हमारा कोई चरित्र लेके जा रहा है, आप तो चरित्रवान है सो है ठीक है। यही चीज हमारा इस, ये बहुत मुश्किल है, मैं तो आपके सामने में बोलने के लिए बोल दिया, मुझे भी सुनाता है तो मुझे अच्छा लगता है, ऑफिस में बैठे रहता हूँ, ऑफिस में मीटिंग होता है, मीटिंग में अचानक से चालू चाऊ 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 चालू हो जाता है। अरे करनी धरनी कुछ नहीं वहां पर मीटिंग में, एक और चीज बताता हूँ, थोड़ा सा भौतिक चीज भी बताना अच्छा लगेगा आप लोगों को भी सुनकर, और हमारे राकेश प्रभु जी, श्रीनिवास प्रभु जी, आई मीन जो भी और काम करते हैं सर, मीटिंग में शोर सबसे तेज से बोलेगा उसका नंबर सबसे ज्यादा मीटिंग में, और ऊपर से अगर आपका बॉस बैठा हुआ है जो कि मीटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वहां पे आपको और जोर से बोलना है, सो दैट कि बाद में आपका जो अप्रेजल होगा उसमें आपको एक्सीलेंट मिले। बोले कैसा मूर्ख समाज है भाई, ऐसा मूर्ख समाज में आदमी रहता है? देखिए मैं आप लोगों से वही प्रार्थना कर रहा हूं, हम सब लोगों ने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के समय में सीधा ज्ञान प्राप्त किया या उल्टा ज्ञान प्राप्त किया? सीधा, एकदम नहीं, अभी हम लोग सीधा प्राप्त कर रहे हैं, उल्टा प्राप्त किया है। हमारे माता जी तो मरी, इतना पिटाई, अभी तो माँ नहीं है, मैं इतना पिटाई करती थी पढ़ने के लिए, तू पढ़ बैठो, और आज भी वो परंपरा चालू है कि नहीं सुचंद्र माता जी, है कि नहीं पिटाई? हम लोग अरे पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करके क्या उपार्जित हो रहा है? मैं आपको इतना रियलिटी बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली पिछले साल में एक हमारे बहुत करीबी हैं, उन्होंने फोन किया, मेरा बेटा अच्छा आईआईटी दिल्ली हुआ था तो मुझे फोन करके प्रभु जी ऐसा वैसा, थर्ड ईयर में था, फोन आया, प्रभु जी इसका संसर्ग गलत आदमियों के साथ में हो गया है। क्या हो गया? वो मतलब आप जानते ही हैं कॉलेज में तो दारू पीना ये सब करना ये सब। तो हम बोले माता जी जिस समय में आप खुशी मना रही थी उस दिन मैंने आपसे कहा था कि प्रभु को बोलिएगा माला लेके जाए, गीता अपने रूम में रखे, समय मिले तो, क्योंकि लड़का तेज है और लड़का तेज है तो गीता पढ़ेगा तो उसको तुरंत समझ में आएगा। लेकिन आपने उसको तो थमाया नहीं उस समय, मत आपको लगा कि अरे ये तो उसको सन्यासी बना देंगे,
या फिर अरे भाई हम सन्यासी बने, हम तो मैं भी तो लेट से ही सोया, लेकिन मैं भक्ति शुरू से कर रहा था। और मैं माता पिता, आज मेरे माता पिता बोलते हैं मुझसे, बेटा हमसे गलती हुई, शुरू में ही हमें तुम लोगों को कम से कम ये ज्ञान तो देना जरूरी है था। ठीक है, भौतिक की पढ़ाई करना वो है, लेकिन ये इसको ज्ञान देने में क्या प्रॉब्लम था? आधा घंटा एक घंटा दिन में कम से कम मुझे मालूम तो चलता कि मैं, मुझे क्या सही क्या गलत है। हम सब लोग अभी भी अपने शरीर का डेंटिंग पेंटिंग करते रहते हैं, लेकिन आत्मा का तो डेंटिंग पेंटिंग होता ही नहीं है, तो क्यों वो दिखता नहीं है? बोलेगा अरे अब वो कहाँ दिखता है, शरीर दिखता है ना। हम बोले शरीर दिखता क्या है, शरीर तो चला जाता है। एक शरीर बच्चा थे तो इतना छोटा से थे, थोड़ा बड़ा हुए इतने बड़े हुए, अभी अभी हो गए तो बड़े हो गए, तो वो शरीर रहा क्या? नहीं ना रहा। हाँ, शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। किसके लिए? उस सत्य कर्म को करने के लिए, उस गंतव्य स्थान को ढूंढने के लिए, वो पर्पस ऑफ लाइफ जो हमारा इस जीवन का मुख्य क्या है, मुख्य अभिप्राय या मुख्य आप बोल सकते हैं जो डेस्टिनेशन है, या फिर बोल सकते हैं गोल है, मुख्य उसको उद्देश्य प्राप्त करने के। उद्देश्य है। हाँ जी, तो इसीलिए हम सब लोगों को थोड़ा सा मतलब चिंतन मनन करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा, माता जी प्रभु जी को, कि अभी भी समय है, आप उसको बोलिए। और वहां पर जो है इस्कॉन संस्थान के कुछ बच्चे लोग भी हैं, उन लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं IIT में, उन लोग से मिले, थोड़ा सा उनके संसर्ग बढ़ाए, थोड़ा सा आत्म चिंतन करे, कृष्ण का नाम को कम से कम मुख पे लाए। कृष्ण का जिसने नाम लिया वो भवसागर पार कर गया। राधा कृष्ण हमारे जीवन में वो नैया है जो हमको इस कहते हैं ना कि भाव भाव सागर, तो भाव सागर इतना बड़ा सागर है उस, ये तो कष्टमय है, इससे वही निकाल सकते और कोई नहीं निकाल सकता है। और उसको निकालने के लिए हमारे गुरु हमारे पास प्रकट, और गुरु भी कौन देता है, गुरु भी कौन देता है, कृष्ण ही देते हैं और कोई नहीं दे सकता। कृष्ण का शाश्वत जब उनको लग जाता है कि हाँ अब इस बच्चे को जरूरत है जब उसको गुरु प्रदान करने के लिए, तो गुरु जो है वो आएंगे तो अपने छत्र छाया में रखकर हमारा सृजन कर देंगे। ठीक है, मैं अब हम अच्छा, अब मैंने अब आप लोग से कभी बोला कि शरीर और आत्मा की प्रकृति का ज्ञान रखने वाले को इस तरह का दुख का होगा, उसको जिसको शरीर और आत्मा का ज्ञान हो तो नहीं होती, कभी नहीं, कोई कारण ही नहीं कि उसको दुख होगा। गतासुन अर्थात, देखिए यहाँ पे दो शब्द है ना श्लोक में, सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन पर देखिएगा, सब लोग गीता अपने पास रखेंगे तो, क्यों बिकॉज अभी मैं शेयर करूंगा तो फिर डिस्टर्ब होता है, मैं देख नहीं पाता हूं। तो गता सुना, गता सुनश्च, तो गता सुन और गता सुन, ये दो शब्द आ रहे। गता सुन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, मीनिंग क्या लिखा हुआ वहां पर? गता जो चले गए लोग, जो मर चले गए, और अगता जो नहीं गए, जो है अभी जो है। तो अगतासुन को हम लोग कैसा मानेंगे, वो शरीर मानेंगे, गतासुन को शरीर, अगतासुन को आत्मा, मीनिंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब शब्दों का प्रयोग अगर आपके मन में आ जाए ना, आपके एक बार प्रवेश कर जाएगा तो आगे का चीज समझने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगतासुन आत्मा जो दोनों के स्वभाव को जानते हैं वो शोक नहीं करते हैं। गतासुन और गतासुन मतलब कि भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि जिनको ये मालूम है कि देह और शरीर के बीच बीच में फर्क उसको मालूम है, वो कभी भी शोक नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं। इसलिए आप न तो देह के स्वभाव को जानते हैं, न ही आत्मा के स्वभाव को जानते हैं जो शरीर से अलग है और शाश्वत है। भगवान कह रहे हैं अरे अर्जुन तुम ये चीज को नहीं समझ पा रहे हो कि शरीर और आत्मा में क्या फर्क है, तुम्हें न जान, इसी कारण से तुम्हारे अंदर में ये विकार पैदा हुआ है। अब देखिए अचानक से श्रीनिवास प्रभु निकले, प्रभु जी आपका आपका गांव आसपास, आपका गांव का मतलब घर कहाँ है?
सैनिक परी हैदराबाद में। हाँ प्रभु जी, अच्छा हैदराबाद में। अच्छा आप अपना घर में रहते हैं तो जी पेड़ उड़ लगाए हुए हैं? जी हाँ अच्छा, एक मिनट। हाँ तो पेड़ लगाए हुए हैं, आज श्रीनिवास प्रभु सुबह सुबह निकले और जाकर पकड़ लिए पेड़ को। अब बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे आपने पकड़ रखा है ना पेड़ को। मैं श्रीनिवास प्रभु, मैं आपका एग्जाम्पल दे, आपने नहीं कोई, और पेड़ को खुद पकड़ के बोल रहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे पेड़ पकड़ के रखा है क्या आपको, या आप पकड़े हुए हैं पेड़ को? तो जो ज्ञान को आपने पकड़ के रखा है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा ना। अर्जुन को जी अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस पेड़ को छोड़ना है। कौन सा पेड़? अज्ञानता का, जाली का पेड़। प्रज्ञा 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 मतलब ज्ञान नहीं, उसको छोड़ना है कर्तव्य के रूप। देखिए भगवान बहुत, ये गीता का जो है ना, अगर भाष्य देखेंगे, हम लोगों ने परपट पढ़ा है 6-7 लाइन, लेकिन मैं जब अंदर में अध्ययन कर रहा हूं तो इतने सारे चीज निकल के आते हैं, है कि नहीं? इतना सुंदर स्वरूप में भगवान सब कुछ बता रहे हैं। अगर मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं, तो इसको अगर हमारा बोध हो जाए तो हमको कोई बोलेगा कि मुझे मलेरिया हो गया, या मुझे फलेरिया हो गया, जो 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 भी हो, मुझे टाइफाइड हो गया। आपको टाइफाइड हुआ है क्या? हुआ नहीं प्रभु, शरीर को हुआ। शरीर शरीर आपको टाइफाइड नहीं हुआ है? आपको पे, बोले शरीर पे। थे प्रभु जी टाइफाइड है, टेम्परेचर तो मेरा बहुत बढ़ रहा है। मैं बोला भाई आप आत्मा है, आप शरीर थोड़े हैं, आप शरीर तो है नहीं। तुम बोलेगा कि टेम्परेचर तो 104 है। अरे भाई ये शारीरिक व्याधि जो है वो तो है, इस जीवन कर्म में जब भौतिक जगत में हम आते हैं, हमारे आत्मा को कुछ नहीं हुआ है ना, उसका कोई टेम्परेचर है ना, उसका कोई चेंजेस है ना, उसको काट सकते हैं ना उसको कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं, आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है और उसको बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इस दुनिया में, बहुत सारे लोग सुनकर या गीता के बारे में जानकर, कि हम आत्मा को रूम बनाया उसके अंदर में, एक मतलब देखने के लिए कि एक आदमी का प्राण निकल रहा है वो आत्मा कहाँ जा रहा है, उसको उसका प्रकार कैसा है। कुछ लोगों ने कहा कि एक 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 स्लाइट रोशनी सी आई, पता नहीं क्या देखा नहीं देखा, भगवान जाने। बोलने की एक्सपेरिमेंट, जैसे वो कौन सा बॉल था, बिग बैंग थ्योरी फेल हो गया ना, बिग बैंग थ्योरी फेल हो, वैसे ही ऐसा 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 जो चीज हमारे, हम जानते हैं कि आत्मा का है शरीर का धारण करना, शरीर को छोड़ना उसकी नॉर्मल प्रक्रिया है, उसको हम सब लोग नहीं कर समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए कृष्ण के इस गीता का ज्ञान को प्राप्त करके ही समझ सकते हैं। कर्तव्य के रूप में आत्मा की प्राप्ति एक साधन है। कर्तव्य आपको अपना कर्तव्य करना है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मान लिया जाए कि राकेश प्रभु जी आप कहाँ काम किए थे? हाँ ऑल इंडिया रेडियो। देखिए ऑल इंडिया रेडियो, इनकी आवाज भी वैसे ही, तो ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहे थे, तो वो अपने कर्तव्य बोध करने के लिए उनका शरीर उनको एक मिला, एक एकदम प्रभु जी कितना स्मार्ट है, तो वो है और उनकी आवाज भी उतना ही, तो फिर ठीक है वो ऑल इंडिया रेडियो में। तो ये कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए आत्मा जो है एक शरीर का धारण करती है। संदर्भ यह है कि कर्तव्य बोध हमें होना चाहिए, हमें अपने शरीर के प्रति नहीं, उस आत्मा के प्रति जिस आत्मा ने यह शरीर धारण किया है। और अगर किसी स्वार्थी इच्छा के बिना, हमारा क्या स्वार्थ है? मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर गीता का ज्ञान आप लोगों के सामने में कर्तव्य के रूप में, अभी मुझे कर्तव्य दिया गया है, अगले 6 महीने तक मैं आप लोग के साथ में रहूंगा और बहुत बार आप लोगों को मतलब पकाएंगे भी, कुछ कुछ समझने मतलब ना समझ में आए तो प्लीज आप लोग एकदम फ्री हैं, आप लोग तुरंत रोक कर पूछ सकते हैं माता या प्रभु जी, बिकॉज गीता का ज्ञान प्राप्त करना हमको खुद अभी तक नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। निश्चित रूप से हम सब लोग जब तक अपने इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि सब कुछ क्रियान्वित होता है,
अर्जुन किस अर्जुन को इस जगत में अगर पूछा जाए अर्जुन का प्राकट्य क्यों हुआ था? इसी धर्म युद्ध के लिए हुआ था ना? यस ठीक है, इसी धर्म युद्ध के लिए हुआ था कि नहीं? व्यास देव जी ने महाभारत लिखी, मैं आज सुबह के सत्र में बोल रहा था, मतलब व्यास देव जी ने महाभारत लिखी। अब महाभारत लिखी तो वो एक तरह का जीवन, एक तरह का मतलब जिसको ही लोग बोलते हैं कि ग्रंथ के रूप में, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि वो मान लिया जाए कि उसमें गीता भी है, जीवनी लिखा उन्होंने। अब कोई क्यों पढ़ेगा महाभारत? तो महाभारत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वेद व्यास जी ने, जैसे होता है ना थ्रिलर, आजकल कोई लोग ना वो सास बहू का सीरियल भी देखता है तो थ्रिलर नहीं रहेगा तो आनंद नहीं है, नॉर्मल वाला है तो फिर ठीक नहीं। पिक्चर भी है तो बाहुबली एक पिक्चर बनाया, वो पिक्चर देखने का मतलब कि मालूम चला चल ठीक ठीक है, मैंने मुझे भी एक बार घर में बैठकर वो देखने का मौका मिला, मैं सोचा कि ये आदमी कर क्या रहा, और उसके बाद पार्ट टू भी आने वाला है, मतलब ये ऐसा ऐसा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऐसा ऐसा काम जो मतलब डायरेक्टर करवा रहा है, ठीक है पिक्चर जो भी था अच्छा बुरा मैं वो उसके ऊपर मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर्तव्य बोध करा रहा हूँ कि ये व्यक्ति विशेष जो काम को कर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है श्रीनिवास प्रभु जी? आप बताइए पॉसिबल है क्या? नहीं प्रभु जी, हाँ नहीं प्रभु जी, निश्चित रूप से मिथ्या है, प्रकृतिक नियमों के हिसाब से गलत है। प्रभु जी प्रकृतिक नियमों के हिसाब से गलत है वो, प्रकृति के नियमों के, एकदम एकदम अच्छा बोला आपने। तो अब ये बताइए ये युद्ध जो हो रहा था प्रकृतिक नियमों के विपरीत था या सही था? सही था, सही था, क्योंकि इसी युद्ध से कृष्ण जी को हमारे आज की जनरेशन के लिए समझाना था कि अर्थ क्या है अपने जीवन का। हाँ, जो वर्तमान संदर्भ में एक कर्तव्य बनता है उसको दर्शाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे धर्म युद्ध की रचना की। रचनाकार कौन था? कृष्ण भगवान ही थे, सब कुछ तो कृष्ण ने बताया कि मैंने सबको मार दिया, मैं सबको समाप्त कर दिया हूं, लेकिन इसका श्रेय जो है वो तुमको जाएगा, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने तो दिखा दिया सब, कोई भी अच्छा कोई भी चीज ऐसा हो सकता है जो भगवान के शक्ति के परे हो? कोई वो ही नहीं सकता है, नहीं, 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 इस जगत में ऐसा हो ही नहीं सकता है। कृष्ण ने देखिए, कृष्ण से ही सबका सृजन हुआ और कृष्ण में ही जाके सबको समाप्त होते हैं। ये आत्मा शरीर का, देखिए ये आत्मा शरीर की मृत्यु पर विनाश के अधीन है क्या? फिर से सुनिएगा, जो मैं हिंदी थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा टाइट हो जाता है, लेकिन इस बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आया। क्या मैं बोला न ये आत्मा न ही का क्या कहा गया? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ मैं प्रभु जी मैं पूरा पूरा रिपीट करता हूं तो इसे कंफ्यूजन नहीं होगा। अर्थ यह आत्मा वास्तव में अपने अस्तित्व के लिए शरीर पर निर्भर नहीं है। सही गलत? सही है, एकदम सही, सही। और न ही ये आत्मा शरीर के मृत्यु पर विनाश के अधीन है। सही है गलत? सही, एकदम सही। यस माता जी, यस प्रभु जी, एकदम सही बोला कि ये आत्मा भाई शरीर के अधीन नहीं है। अधीन का मतलब कंट्रोल में, आत्मा शरीर का कंट्रोल में है या फिर शरीर आत्मा के कंट्रोल में? यहाँ पे बताया जा रहा है आत्मा और शरीर के बारे में। आत्मा दो चीजें बताएगी, पहला क्या बताया गया, अपने अस्तित्व के लिए शरीर पर निर्भर नहीं है, एक चीज। दूसरा चीज क्या बताया गया, शरीर के मृत्यु पर विनाश के अधीन नहीं है। दोनों चीज बता दिया गया, क्योंकि क्यों ऐसा? क्योंकि आत्मा जो है न जन्मा है न उसका मृत्यु है, वो शाश्वत है। तो फिर दुख का कोई कारण नहीं। आप बताइए, भीष्म पितामह का मृत्यु हो गई, उनका आत्मा ठीक है, उनका वो भगवान के भक्त थे, भगवान के धाम को चले गए, तो आत्मा क्या, आत्मा खत्म हो गया? भीष्म तो थे, उस रूप में थे,
लेकिन उनका आत्मा समाप्त नहीं हुआ, द्रोणाचार्य मरे तो उनका भी आत्मा समाप्त नहीं हुआ, उनका पुनः जन्म हुआ उनके कर्मों को वापस से पूरा करने के लिए। हाँ तो उनका जो है नहीं, जैसे कहा जाए कि तो भीष्म पितामह तो वसु थे, वसुओं में श्रेष्ठ थे और भगवान के महाजनों में से एक श्रेष्ठ थे, उनका जो अंश है तो भगवान के पास ही गया। लेकिन कहने का मतलब माता जी ने कहा कि ठीक है हमको अपने कर्मों के अनुसार फिर से हमको एक नया शरीर धारण करना पड़ता है, तो फिर दुख का कोई कारण नहीं है। लेकिन शरीर स्वभाव से, अब शरीर का दो क्वालिटीज हम लोगों ने देखा आत्मा के बारे में, ठीक है आप लोगों ने लिख लिया, आत्मा वास्तव में अपने अस्तित्व मतलब पहचान के लिए शरीर पर निर्भर नहीं है, वो कोई भी शरीर धारण कर सकता है, करेक्ट। दूसरा, आत्मा शरीर की मृत्यु पर विनाश के अधीन नहीं है, ठीक है लिख लिया आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम लोग बात करेंगे शरीर का, शरीर का स्वभाव से अच्छेद, परिवर्तन निश्चित है। शरीर का मैंने आप लोग से पहले बोला था कि शरीर कितना बार परिवर्तन करता है, जन्म मृत्यु। अच्छा किसी नजदीकी का देहांत हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड सो एंड सो मिस्टर एक्स एंड वाई जेड चले गए। अरे कौन चले गए, शरीर तो यहीं पर रखा हुआ है, वो तो वही थे तो चले कौन गए, आत्मा चली गई। हाँ तो वही, अब एक आदमी का कुर्ता जल गया, अब तो इतना क्रंदन करने लगा, इतना क्रंदन करे, अरे कुर्ता जला है ना तो तुरंत उसके उसका कोई रिलेटिव है एक नया कुर्ता लाके दे दिया, हाँ अभी ठीक है, मतलब वो कुर्ता जल गया तो खत्म, नया कुर्ता धारण कर लिया, इज इट नॉट करेक्ट। आप लोग से जो मैं बोल रहा हूँ, माता जी आप प्रभु जी आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है तो जब जब मान लिया कोई वस्त्र होता है खराब तो उसको हम लोग त्याग देते हैं और उसके बाद फिर कोई नया वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पंडित गण सूक्ष्म शरीर के बारे में शोक नहीं, अच्छा जो पंडित होते हैं, अर्जुन अपने आप को पंडित बोल रहे थे, अच्छा ठीक है 5-7 मिनट के अंदर में मैं ये का समाप्त करूंगा, आप लोग का फिर प्रश्न कर सकते हैं माता जी को भी थोड़ा सा 4.7 हम सब लोग मिलकर रिवाइज कर लेंगे 5-10 मिनट। तो पंडित जो है अपने आप को अर्जुन पहले पंडित मान रहा था तो नानु सुचन पंडित था, तो अभी पंडित तो वो है नहीं, वो अपने आप को मान लिया कि भगवान आप ही बस मेरा कल्याण करो। लेकिन जो पंडित होता है, ये मैं क्या बोल रहा हूं, आपने सुना था मैंने क्या बोला था, पंडित सूक्ष्म शरीर के लिए भी शोक नहीं करता है, आप लोग सुने नहीं होंगे, ध्यान नहीं, स्थूल शरीर का तो बात छोड़ दीजिए, मैंने आप लोग को बताया था तीन स्थूल शरीर जो हमारा पंच तत्व से बना हुआ है, स्थूल शरीर का भी चिंता है उसको पंडित जो उसका, वो सूक्ष्म शरीर की भी चिंता नहीं करता है, उसको मालूम है, क्या मालूम है सूक्ष्म शरीर रहेगा हमेशा रहेगा, हाँ प्रभु जी बोलिए, हाँ प्रभु जी आप कुछ बोल रहे थे, सूक्ष्म शरीर तो रहेगा नहीं, हाँ नहीं आपने बोला, लेकिन लेकिन अंततः मैं बोला अंततः सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा, हाँ हम लोग का जब तक वो काम क्रोध ये सब जो हम बताए फ्रेंड लोग जब तक हमको ऑक्यूपाई करके रखे तब तक हमारा सूक्ष्म शरीर इम्प्रेशन लेते रहता है, इम्प्रेशन मतलब हमारे जैसे माता जी ने बोला उमला माता जी का हमारा कर्म और ये सब के आधार पर हम सब लोग का, तो हमारा नया नया शरीर हम लोग धारण करते रहते हैं, इसलिए हम सब जब भगवत धाम चले जाते हैं कब, पंडित को मालूम है कि जिस दिन ये सूक्ष्म शरीर हम छोड़ेंगे तो हमारा उसी दिन भगवत धाम का वीजा मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, वहां चले जाएंगे। तो फिर बात आती है, हम सभी चाहते हैं मृत्यु के बाद, कोई आदमी चाहता है कि मृत्यु मृत्यु हो गई हो और फिर वापिस इसी दुनिया में आना है, कितने लोग आएंगे प्रभु जी, सूक्ष्म शरीर भी छोड़ना पड़ेगा नहीं सूक्ष्म शरीर भी छोड़ना पड़ेगा बात स्वाभाविक है कि लेकिन हो नहीं पाएगा प्रभु जी, अरे वो छोड़ दीजिए ना, उसके लिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप भक्ति आप गीता का ज्ञान प्राप्त करिए, गीता के पूर्ण रूप से अपने आप को गीता का भगवान कृष्ण के चरणों में है,
आप भगवान कृष्ण की सेवा करती है, तो ऐसा सोच रखिएगा, पहले से सोच लेंगे कि हमसे तो नहीं होगा, तो फिर एग्जाम में तो लड्डू आएगा। इसीलिए एग्जाम देना है ना, तो एग्जाम में लड्डू नहीं चाहिए, वो लड्डू के साथ में एक और लड्डू, फिर एक नंबर, मतलब 100 मार्क। मैं तो आप लोग को ज्यादा दे रहा हूँ, 200 दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल था कि देह परिवर्तन होता रहता है, पहले बहुत मेहनत किया, अभी जैसे सुचंद्र माता जी का बिजनेस है, माता जी आप लोगों ने पहले बहुत मेहनत की होगी, पहले नहीं प्रभु जी, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, हम मुकेश अंबानी का ले लेते हैं बात। अब मुकेश भाई के पिताजी ने, धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस शुरू की, बड़ा कष्ट, साइकिल पर साबुन और पता नहीं क्या क्या वो। हाँ ये लेकिन रियलिटी है, ये ट्रू है, बिकॉज मैं तो रिलायंस में काम करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हमारे धीरू भाई और मैं उनका उस वो जो हमारे संस्थापक थे उस कंपनी के, मैं उनके, सही बात है कि उनका मैं बहुत बहुत वंदन भी करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ हमें बताया, कुछ हमें संघर्ष करने का एक कहते कि रास्ता बताया, जीवन में संघर्ष बहुत होता है। तो धीरू भाई बेचारे साबुन बेचे और बहुत सारा, फिर उन्होंने पेट्रोल भरने का काम भी किया, अंततः आज इतने बड़े बिजनेस को स्टैब्लिश करके वो चले गए। अब मुकेश भाई क्या उनको चिंता है? हाँ बिजनेस की चिंता जरूर है, वो तो बिजनेसमैन जो होते हैं उनको तो वो चिंता रहेगी, लेकिन कम से कम जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी तो चिंता नहीं है ना। आप लोगों को भी मैं वो बोले कि मतलब कहने का मतलब कि बिजनेस शुरू में आपने बड़ी मेहनत, लेकिन परिवर्तन हुआ कि नहीं? मैं मुकेश भाई का ही कहने और बहुत लोग हैं, परिवर्तन हुआ कि नहीं? एक बार एस्टेब्लिश हुआ तो फिर उसके बाद बिजनेस चला, यहाँ पे भी परिवर्तन है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये परिवर्तन का नियम जो है इस जगत में शाश्वत शाश्वत है, परिवर्तन तो होना ही है। अर्थशास्त्र, ज्ञान शास्त्र, धर्म शास्त्र, माम अहिम भूतानि, देखिए तीन चीज का, मैं तीन तरह के शास्त्रों का बोला, अर्थशास्त्र, ज्ञान शास्त्र, धर्म शास्त्र। अब इसमें ये बताइए कि व्यक्ति को अगर धर्म शास्त्र के बारे में ज्ञान है तो ज्ञान शास्त्र के बारे में ज्ञान है, अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान है, तो पूर्व में जो अर्थशास्त्र से धर्म शास्त्र के को बलवान बता, ये अर्जुन के बारे में मैं बोल रहा हूं, वो अपना तर्क दे रहे थे ना, तो अर्थशास्त्र के द्वारा मेरा मेरा रिलेटिव, मेरा भाई, मेरे अनुचर, मेरे वो ये जो भी एक्स वाई जेड सब कुछ बता रहे, तो वो अपना अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र से क्या बता रहे कि मेरा धर्म है, मेरे परिवार में वर्ण संकर हो जाएंगे, समाज में हमारी ये हो जाएगी वो हो जाएगी, धर्म शास्त्र बता रहे हैं भगवान को। लेकिन कृष्ण भगवान अब क्या कर रहे हैं, ज्ञान शास्त्र के द्वारा, इसलिए कहा गया कि ज्ञान शास्त्र अर्थशास्त्र धर्म शास्त्र से पढ़कर है, क्योंकि वो सोचने पे और धर्म शास्त्र ही अधिकतर बलवान है। इस सिचुएशन में बताया जा रहा है कि अर्जुन को अभी बताया जा रहा है कि भाई तुम धर्म की बात मत करो, तुम्हारा धर्म का बोध हम कराएंगे, धर्म और अर्थ अर्थशास्त्र से तुम धर्म शास्त्र को चले आए, लेकिन तुम अपने ज्ञान शास्त्र को अभी तक प्राप्त नहीं किए हो, तभी तो वो समर्पित हुआ ना। पहले वो अपने आप को जो है वो ये बोल रहा था कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वैसा है, ये है, शोक गम ये वो जितना भी है सब कुछ वो अपना इलेबोरेट कर बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है। तो अच्छा भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या योग्य समझते हो इस समाज में, जो वो अब राजकुमार बना हुआ, धृतराष्ट्र राजा है, आने वाले समय में वो राजा बनेगा, क्या वो योग्य है? अर्जुन क्या बोलेंगे? नहीं, कह हो ही नहीं सकता है ना। दुर्योधन, कभी दुर्योधन के बारे में यही कहा गया था कि एक को अगर त्याग देते धृतराष्ट्र तो 99 के 99 बच जाते। खैर धर्म युद्ध होनी थी तो वो त्याग कैसे करता, धृतराष्ट्र को पुत्र मो, वो भी भगवान कहते होता है जितनी परिस्थिति है सब बनी है, क्योंकि वो भी अपने कर्मों से बंधा हुआ है। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप, अच्छा एक और चीज है, अभी मैं बोल दिया किसका नाम लू, अच्छा मैंने बोला कि ओके okay.
मैं क्योंकि चार आदमी तो दिख रहे हैं, तो उनको अब चार ठीक है, आप आप चार में मेरा से नाम दे सकते हैं, कौन बोल कौन? देते हैं, अच्छा हाँ राकेश जरूर, नाम ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम ले आपको सकते सर, आप कोई नाम ले प्रॉब्लम सकते, नहीं है कोई सर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, आप हमें ही ज्ञान दे ठीक रही है है ना, राकेश हमारे प्रभु जी, समझने के लिए। हाँ ठीक है, अच्छा प्रीति माता जी हरे कृष्णा। तो राकेश प्रभु जी को मैं बोल रहा हूँ कि आपका कान जो है मतलब थोड़ा खराब है, तो राकेश प्रभु जी बोले ठीक है प्रभु जी मैं जाके डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। मैं बोलूंगा प्रभु जी आपका दिमाग खराब है, तो आप प्रभु बोलेंगे यह आदमी पागल है, इसका क्लास वास मैं नहीं बैठूंगा, नहीं सुनूंगा इसका क्लास। देखिए ये मैं रिएक्शन बता रहा हूँ कि आपका बोला कान खराब है, तो आप रियलाइज की चलो ठीक है उन्होंने कहा है कान में दिखवा लेता हूँ। मैं बोला आपका दिमाग खराब है, कान कहाँ से रिलेटेड है? दिमाग से हाँ नहीं, कान शरीर से रिलेटेड है। शरीर से यस हाँ और दिमाग कहाँ से रिलेटेड है? वो भी सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का मैं आप लोग को थोड़ा सा रहस्यमय चीज सब बोल रहा हूं। कहाँ अटैक हुआ आपका? तो आपका कान के ऊपर बोला जो स्थूल शरीर शरीर है। में, तो आपको उतना खराब नहीं लगा, जैसे बोला कि आपका दिमाग खराब है आपका रिएक्शन, मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसे होगा। अगर बाय चांस आप किसी को बोलिएगा तो क्या रिएक्ट करेगा ही ना, है हाँ ये तो निश्चित है। इसीलिए हम सब लोग को थोड़ा सा इन सब चीजों को थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट करके समझना चाहिए, कोई मुझे बोल रहा है तो वो क्या मुझे करना चाहिए? नहीं दिमाग खराब, अरे मेरा दिमाग तो सही है, मैं गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, तो मुझे फिर दिमाग मेरा खराब कैसे होगा? मेरा दिमाग तो एकदम सही है, एकदम बराबर है, वो पागल आदमी है। आप अपना दिमाग, अरे बेकार की बातें कर रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन रिएक्शन तो तुरंत होता है सूक्ष्म शरीर से, मृत्यु के बाद प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाता है, प्राण और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय स्थूल शरीर से एकदम अलग हो जाता है। इसी चीज को मैं बताने का और लास्ट में बस संक्षिप्त में इंपॉर्टेंट चीज जो है, सूक्ष्म देह के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक यह नष्ट नहीं हो सकती है। अभी जो इतना सारे इलाबरेशन दिया मैंने, क्या बोला आपको? सूक्ष्म देह के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक ये भी नष्ट नहीं होगा, ये आत्मा के साथ में। विक्रम बैताल वाला कहानी तो सुना होगा आप लोगों ने, वो यस सर, बैताल यस जो है, सर, बैताल यस विक्रम सर, के ऊपर में चढ़ा रहता था, तो उसी तरीके का हाल है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के ऊपर में। आत्मा चढ़ा कौन रहता है। है? आत्मा बैताल नहीं है, आत्मा विक्रम है, विक्रम और है हाँ हाँ, और सूक्ष्म शरीर जो बैताल है वो है ना, ऐसा करके चढ़ा बैताल। तो ये चीज बस वो तब तक है जैसे ही सच क्या होता था, वो प्रश्न पूछता था है? और फिर विक्रम जो है वो जवाब देते थे, वो छोड़ देता था। तो मतलब ठीक है पेड़ पे जाकर वो अलग चीज है, कैसे छोड़ा? तुरंत सही चीज किया, छोड़ दिया। तो वही मैं आपको ज्ञान थोड़ा सा एग्जाम्पल है, देखिए हमको जानना चाहिए आत्मा के लिए। एक तो पॉइंट आप लोग लिख लिए, दूसरा आत्मा के लिए शोक होना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हर परिस्थिति में छह विकारों से शून्य रहती है और शाश्वत है। कौन से छह? छह विकार जो है का जायते अस्ति वर्धते विपर्मते अभिपक्षते विनश्यामि। तो अब संस्कृत में बोल दिया, तो अब उसको हम हिंदी में बोल देते हैं कि क्या बोले, आत्मा के लिए शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हर परिस्थिति में छह विकारों से शून्य है, मतलब परे है। कौन कौन सा विकार? जायते मतलब जन्म, अस्ति मतलब स्थिति, वर्धते मतलब वर्धन, हमारा जो वर्धन होता है, वर्धते मतलब वर्धन, हाँ विपर्ण विपर्ण मते मतलब परिवर्तन, जैसे मतलब हमारा जैसे बच्चे होना जो परिवर्तन है उसको बोला जाता है बच्चा परिवर्तन, अपक्षयते क्षय, क्षय हो मतलब समाप्त होना, और विनश्यति विनाश होना, तो खैर मतलब नाश जो हो जाता है। तो ये छह चीजों से आत्मा परे है, शून्य मतलब परे है,
ये हो गया। अब अभी हम अपने जीवन चक्र को इनके द्वारा ये छह जो विकार है ना आप देख सकते हैं, जायते जन्म से लेकर विनश्यति, विनाश किस चीज का विनाश हुआ? विनाश शरीर का। हाँ शरीर, शरीर का प्रभु, शरीर का। लेकिन लेकिन आपका विनाश नहीं हुआ, वो उस शरीर का विनाश हो रहा है जो आपने क्योंकि सेल्स तो डॉक्टर है हमारी माता जी उर्मिला माता जी है, 7 से 8 साल 10 साल में सेल्स बदल जाते हैं पूरा शरीर का। तो वही शरीर जो है मान लिया जाए कि 70 के बाद किसी व्यक्ति के 80 में हो तो शरीर जो धारण किया 70 में धारण किया होगा, चेहरे पे थोड़ा झुरिया और ये सब आ जाता है शरीर का जैसे जैसे आदमी बुढ़ापा की ओर बढ़ता है, तो वो जो जो चेंजेस है वो होना है। तो इसी चीज को हम लोग त्याग देते। तो यहाँ पर बताया गया आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए, वो 6 प्रकार के विकारों से परे है। जो आत्मा शरीर के स्वभाव को जानता है उन्हें किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो आत्मा शरीर के स्वभाव को जानता है, आत्मा कौन हुआ? रघुनाथ पुरीदास, श्रीनिवास प्रभु जी, राकेश प्रभु जी, धर्मेश प्रभु जी, या हम सब लोग आत्मा हैं, हम लोगों का एक शरीर का आकार है। तो हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, शरीर के स्वभाव को जानना है, हमारा बदलाव होता रहेगा। और हम देखते हैं नित्य प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे बाल जो है पक गए हैं, दांत जो है टूट रहे हैं, दृष्टि जो है वो प्रॉब्लम है, हमारा जो है वो प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया चालू है, वो शरीर छोटे का प्रक्रिया होता ही है। तो हम सब लोग को देखो, इसलिए ये बहुत जरूरी है, मैंने कहा ना कि ये ज्ञान को प्राप्त कर दो, क्योंकि हम सबको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम तो रहेंगे ही, हमारा आत्मा शरीर को चलेगा, हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा भगवान के चरणों में समर्पित हो। तो ये अगले अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ, पदार्थ का अर्थ, आत्मा एवं दोनों का नियमक, मतलब अलग अलग चीजें, ये आगे का अध्याय में हम लोग और कुछ जानेंगे और समझेंगे भी, प्रयास करेंगे। और जैसे कहा जाता है कि हम सभी लोगों को गीता का ज्ञान अब मिल रहा है, मतलब मैं आप लोगों को ना, आप शायद हो सकता है कि आप लोगों को पहले से मालूम हो, लेकिन मुझे ज्यादा दिन पहले नहीं, अभी उम्र की अवस्था के अनुसार मैं बोल सकता हूँ कि 15 साल पहले तो हमें भी लेट से ही मालूम था, लेकिन कम से कम अभी ज्ञान भी पूर्ण नहीं, मतलब ये मालूम चला कि हाँ मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। फिर भी अभी भी हम जो है अपने शरीर का डेंटिंग पेंटिंग करते रहते हैं, बट करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना चाहिए। ये शरीर एक एक शरीर एक ट्रांसपोर्ट है, अगर वो नहीं होगा आत्मा के लिए तो वो कैसे भक्ति करे? भक्ति करने के लिए तो एक साधन चाहिए, ये शरीर भगवान इसलिए उपलब्ध कराए। अंत में ये बोलकर कि गीता पढ़कर लोग कभी, मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था ना, अभी तो एक एग्जाम्पल दिया था उनका, एक एग्जाम्पल मैंने सुबह में बताया था, हमारे हमसे मेरे ख्याल से 3-4 साल 3-4 साल उम्र में बड़े थे, और हमारे मेरा 89-93 बैच है इंजीनियरिंग, वो मोस्ट प्रॉब्ली 85 ऐसे बैच थे, IIT खड़गपुर से वो व्यक्ति पास किया, इंजीनियरिंग पास करने के बाद मास्टर्स करने के लिए अमेरिका गया, मास्टर्स करने के बाद मतलब हम तो ही बोल, उसके बाद फिर PhD किया, मतलब परमानेंट हेड डैमेज, फिजिक PhD का मैंने फुल फॉर्म रखा है, परमानेंट हेड डैमेज। और जो मैं तो, और MBA जो करता है उसको मैं महाभयंकर असुर बोलता, सॉरी अगर कोई कोई MBA का, ये सब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा ये करने के लिए। PhD किया वो व्यक्ति ने, उसके बाद अच्छी नौकरी लगी, शादी हुआ, सब कुछ हुआ, और कुछ साल पहले की बात है, मतलब जिस रूम में IIT लास्ट ईयर में खड़गपुर के जिस हॉस्टल में, अब कोई अलुमनी आया है और वो भी इतना प्रसिद्ध आदमी अमेरिका में, अच्छा खासा पैसा, ये वो सब कुछ, वो हॉस्टल लोगों ने उसको वेलकम किया, रात का समय था जाए जो भी समय रहा होगा, अर्थवास में जब ज्यादा लोग नहीं थे, वो अपना रूम में 4th ईयर के जो रूम में रहा था उसके कॉरिडोर में चल रहा था, कुछ देर के बाद पारापट पे चढ़ा सीधा नीचे, वहीं पे समाप्त हो गया उसके जीवन।
शरीर को आत्मा अब जो भी समझिए क्यों क्या कारण है, क्या कारण बोलिए। हरे कृष्णा। उतनी ही जिंदगी थी नहीं, वो मान लिया जाए कि प्रभु जी उसके मन में ऐसा डिप्रेशन था चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जो मैं कर रहा हूं उससे हम आत्मा जो है जिस शरीर को धारण किए हुए था उसका पूर्णावती नहीं हुआ है, अभी वो आत्मा को कष्ट पहुंचे, मतलब आत्मा को कष्ट नहीं होता है, कहते मतलब कि आत्मा जो दूसरा शरीर धारण करने का जो विधान है या समय है वो पूर्ण नहीं हुआ है, तो आत्मा जो है इधर उधर भटक रही है, और उसके कारण से और जो लोगों को कष्ट हुआ, कष्ट मतलब जो मान लिया जाए कि एक परिवार है चाहे जो भी हो समाज में, तो हम उस चीज को बात कर रहे हैं कि क्यों, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो ज्ञान प्राप्त मेन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ज्ञान नहीं प्राप्त किए हैं, हम सब लोग को अपने हम लोग का दायित्व है, कल को आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आपने हमें क्या बताया, आप क्या जवाब देंगे। जो पढ़ाई लिखाई करो वो तो सही है, लेकिन मैं अभी भी क्योंकि आप ठीक है राकेश बाबू जी, हम सब अब हम हमारे बच्चे भी इंजीनियरिंग में, हम उनको माला थमा दिए, गीता भी दे दिए, अब करे ना करे वो उनकी, मैं बार बार बोलते रहता हूँ थोड़ा जपा करते रहो। हाँ प्रभु जी बोले, आप कुछ बोलना है चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ हम जो पढ़ते हैं वो सब भौतिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान के बारे में बताते नहीं है। यस प्रभु जी, कुछ ज्यादा बहुत जरूरी। हाँ स्पिरिचुअल ज्ञान जो है ना वो क्या है, वो एक्चुअली में वही अधिकृत रूप से वही सही ज्ञान, जिसको वो ज्ञान हो जाएगा उसके लिए भौतिक जीवन में रहना, भौतिक जगत में रहकर अपने कर्तव्य का बोध कर, ये लोगों के दिमाग में कहाँ से आ गया है कि हमको ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम जो है सब कुछ त्याग देंगे, ये चीज एकदम गलत है। भगवान कृष्ण को भी ज्ञान मिली, भगवान भी गुरु के पास गए, संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, उन्होंने भी 64 दिन में 64 कलाओं को सीखकर भगवान तो सीख गए, भगवान कृष्ण भी वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में जाकर यही सब ज्ञान प्राप्त किए, जिस ज्ञान को हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भगवान को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बताए, लेकिन हम लोग अभी भी अपने बच्चे को हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उसका डेंटिंग पेंटिंग कराते थे, मतलब माइंड का, अरे पढ़ो पढ़ो ये तो पढ़ो, तो मैं तुम फिजिक्स पढ़, उसका 3-3 4-4 ट्यूशन लगा देते हैं, अरे बच्चा कैसे डेवलप करे, और वही बच्चा आजकल हम सब लोगों के लिए दुख का कारण। हम सब लोगों को बचपन में ट्यूशन नहीं मिला, कुछ पढ़ाई मैथमेटिक्स थोड़ा मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा लगाव था, दो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो फादर ने ही मुझे थोड़ा पढ़ाया, वो भी 10th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद हम सब लोगों ने अपना अपना अध्ययन किया। हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया कि हाँ भाई कोचिंग करना है, कॉलेज में जाते थे निश्चित समय से, अपना जो अध्ययन करना होता तो वहां करते थे, जो टीचर्स थे वो जो हमारे गुरु हुआ करते थे वो ज्ञान देते थे उसको हम लोग पढ़ते थे, वापिस घर में आते थे तो अपना जो प्रयास करना है सी। अभी तो बच्चों के ऊपर में मैं ये गलती मैंने भी की हुई है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बोल रहा हूँ, कि मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, हमारे साथ भी। हाँ मैं भी फिजिक्स में हूँ जी, फिजिक्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट रह चुका हूँ, फिजिक्स MSc फिजिक्स करके PhD किया, फिर उसके बाद फिर UPSC से इंजीनियरिंग करके आया एग्जाम से, तो ये सब चीजें पढ़ने का सब भौतिक ज्ञान है सब, ये वहाँ कभी पढ़ा नहीं बीच में कभी, ये वो अभी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में आप सभी लोग देखते हैं भौतिक ज्ञान में ना, ऑफिस में मैं देखा कि मतलब क्या, ठीक है दिन भर के कुछ मीटिंग है कुछ ये, लेकिन हम निष्कर्ष पे आते हैं कि ठीक है जो कार्य है उसको तो करना है, जो मशीन चल रहा है ये है वो है, उसके लिए कोई तो कोई ना कोई तो बैठा हुआ है देख रहा है ऑपरेशन सब कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो वहां पर प्रक्रिया ऑफिस में होती है, जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनको मालूम है, बैठ के बिना मतलब का विवेचन करना, कुछ भी बात करना, नहीं हुआ तो वो XYZ पॉलिटिक्स और ये और वो,
और जब वो मुझसे एक आदमी ने मुझसे पूछा, हमारे ऑफिस में हमारे बहुत प्रिय हैं, मतलब हमारे साथ में बैठते हैं, अब क्या करेंगे कर्मी जीवन में तो लोगों के साथ में, बोलता आपने ग्रीन चैनल क्यों ले लिया? मैं बोला कौन सा ग्रीन चैनल? बोला नहीं नहीं आप जो डाइवर्ट हो गया, हम बोले वो तो बचपन से ही मुझे लेना था, लेकिन थोड़ा समय लेट हो गया, ग्रीन चैनल लेने का मतलब ये नहीं है, हम बोले ऐसा ग्रीन चैनल कुछ है नहीं, बस ये है कि हाँ जो मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया था उसको मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। और किताबों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स मैंने आपको कहा कि बड़ा पसंद है, अभी भी है मैथमेटिक्स, हमको अच्छा लगता है, कोई कुछ दिया तो मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद ग्रंथों को पढ़कर है। ये मेरे सामने में कम से कम अभी टेबल के ऊपर में 25 किताबें रखी हुई है, ये मेरे जस्ट इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने में लैपटॉप के बगल में ही कम से, और यहाँ ही नहीं ऑफिस में भी मैं किताब लेके बैठ, क्योंकि समय जो है उसका सदुपयोग कर सकते हैं, और ऑफिस में कोई मुझे मना तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वही एक्चुअल में कहा जाए तो वही ज्ञान ही परिपूर्ण है, और वो ज्ञान अगर हमें रहेगी ना तो हमारा ऑफिस और ये और वो जितना भी है वो सब बराबर चलेगी। ठीक है अभी 49 हो गया, सॉरी आप लोग से क्वेश्चन और माता जी का। हाँ माता जी 4.7 जो था, सॉरी 2.7, हम सब लोग जो पढ़े थे उसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं, हम सब लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से मेरे यहाँ पर आप सभी 25 के 25 लोग, जितना देर से मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोग सुन रहे हैं, मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आप लोगों को जिस चीज को मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप लोगों निश्चित किया कि प्रभु जो बोल रहे हैं उसकी बात को हमको सुनना है। तो उसी तरीके से अर्जुन ने कृष्ण भगवान के सामने में अपना पूरा समस्या बोला, ऐसा है वैसा है। फर्स्ट चैप्टर कृष्ण भगवान चुपचाप है, सेकंड चैप्टर में आकर वो बोलना चालू करते हैं, तब तक अर्जुन अपने लैमेंटेशन, लैमेंटेशन का मतलब हुआ अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, और मुंह ग्रस्त होकर बोलते हैं कि मेरा हाथ से गांडी जा रहा है, मैं तीर नहीं उठा पा रहा हूं, मेरा पैर कांप रहा है, मेरे बाल खड़े हो गए हैं, ये सब विकार बता रहे। और एक क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देती, क्षत्रिय धर्म है उनका, क्षत्रियों को युद्ध के मैदान में मृत्यु प्राप्त करने से उच्च लोक मिलता है, और वही क्षत्रिय अगर युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाए तो उसको निम्न लोक मिलता है, निम्न मतलब नीचे का लोक मिलता है, तल तथा सल तलाता सुतल पतल तथा जो भी है इसके नीचे मिलता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं एकदम, क्योंकि कृष्ण अर्जुन की परिस्थिति को देखकर, अपने मित्र की परिस्थिति को देखकर, तब जाकर अर्जुन को समझ में आया कि अब जो है ये जो मेरी परिस्थिति है इसको एक ही आदमी इस समस्या का समाधान कर सकता है, और वो कौन है? कृष्ण। तब जाकर उन्होंने कृष्ण को समर्पण करते हैं। हम सब लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखिए, ज्ञान का 6 प्रकार का गुण होता है, क्षमा क्षमा दमा उपरीति, सॉरी 5 प्रकार के, क्षमा दमा उपरीति श्रद्धा और तितिक्षा। तो क्षमा और दमा तो आप समझ सकते हैं, उपरीति का मतलब होता है कि हम कोई भी परिस्थिति में हमारा दुख और हम उससे परे हैं, और श्रद्धा का मतलब आप समझ सकते हैं कि श्रद्धा मतलब किसी के प्रति हमारा वो भाव है, और तितिक्षा का मतलब होता है कि तितिक्षा मतलब ये होता है कि ऐसा जो मान लीजिए कि कुछ हमारे सामने में कुछ हो रहा है हम उसके परे, कुछ हमारे सामने में कुछ घट रहा है उसके हम परे, मतलब तितिक्षा मतलब उसके अंदर में धैर्य है, धैर्यवान, वो धैर्यवान को तितिक्षा बोलते हैं। तो उस दिन मैं नहीं बोल पाया था आप सब लोग के लिए ये उपरीति और तितिक्षा, तो ये शब्द माता जी ने कहा तो थोड़ा सा मुझे मौका मिल गया। तो ये पूरा श्लोक में माता जी यही है कि आप एक बार जरूर आप लोग दोनों इंद्रनील प्रभु, आप दोनों आदमी इंद्रनील प्रभु पढ़ेंगे और आप जो सुनेंगे, और आप एक बार पढ़िएगा जो मैंने कहा कि पूर्ण रूप से समर्पण, प्रभुपाद का जो परपट है उसको पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल जी, एक चीज बताना चाहता हूँ मैं कि हम लोगों को मतलब मुझे थोड़ा बहुत आता है, एक्चुअली हम लोग पार्टपोर्ट और ये पढ़ते नहीं है, हाथ नहीं उठाते, बिकॉज बहुत अच्छा हिंदी नहीं आता है, तो हमारे पास जो भगवद गीता है वो बंगाली में है, तो हम लेकिन आपका फॉलो अप करके पॉइंट्स जो है, जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हिंदी में जो रीडिंग जो है आप जो पढ़ाते हैं हमें वो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। अच्छा कोई बात नहीं प्रभु जी,
आप ना, बिकॉज मेरे मित्र लोग, मैं भी तो रांची में मैं पला बड़ा हूँ, तो हमारे जी मित्र लोग बहुत सारे बंगाली ही है, और यहाँ पर भी मेरे प्रिय जो ऑफिस में है वो हमारे छोटे भाई के जैसा, वो भी बंगाली है, तो हम सब लोग का ऐसा है कि मतलब हम एक तो बोलते पड़े, तो हमें तो समझता मतलब ऐसा नहीं है, कुछ कुछ भी मतलब बोलने का भी जरूरत नहीं, मतलब हाँ और एज इट इज अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ बंगाली इंग्लिश लाइक दैट, तो हाँ उसमें कुछ हाँ भाव या फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, तो उसमें भी समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन रीडिंग पढ़ना थोड़ा इशू है, जो युक्ताक्षर है जो ये है उसमें थोड़ा हम लोग मतलब अटक जाते हैं। नॉर्मल हाँ तो नहीं थोड़ा बहुत समझ में आता है, मतलब क्योंकि अमिताभ बच्चन को देख के हिंदी सीखने वाले लोग इतना ही इतना कर रहे हैं तो बहुत है मतलब। अमिताभ बच्चन तो क्या मैं आपसे प्रभु ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों का ऐसा, या मेरे मेरे आइडल तो मेरे पिताजी है, मैंने जी अपने हमेशा अपने जीवन में उनको प्रमुख माना, और अगर हिंदी की मैं थोड़े शब्दों का प्रयोग कर पाता हूँ तो वो मेरे पिता के कारण है, और इंग्लिश, जी मेरी इंग्लिश भाषा भी अच्छी है, मैं इंग्लिश में भी क्लास देता हूँ, और जी उसमें भी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बाकी आप लोग से बस, आप लोग मेरे साथ में रहेंगे तो आप लोग को हिंदी 100% आप लोग भी समझने लगेंगे, आप लोग को बिल्कुल बस बंगाली वाला गीता आप लोग उसको एक दूसरे को पढ़कर सुनाइए, आप ठीक लोग है, को तुरंत ज्ञान प्राप्त होगा, जो भी मैंने बोला है वो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है बिल्कुल। अरे प्रभु जी, मेरा प्रभु एक जी, प्रश्न है मैं आपका, भी मतलब हिंदी के क्वेश्चन शब्द आंसर यूज सेशन में करती मैं हूँ। हाँ सवाल करूंगा। जरूर, ठीक है प्रभु, ठीक कुछ नहीं समझ में आया माता जी और प्रभु जी, तो आप लोग मुझे अगला सत्र में पूछ लीजिएगा, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हाँ कृष्ण माता जी, एक मिनट, पहले पद्मावती माता जी फिर आप, ठीक है? हाँ हाँ, माता हरे जी कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप ये चीज बताया ना, क्षमा दमा श्रद्धा ये समझ गए, मगर व्हाट इज तितिक्षा एंड अनदर वर्ड आई अनेबल टू हाँ प्रोनाउंस इट आल्सो, तितिक्षा, हाँ तितिक्षा और उपरीति, उपरीति तो उपरीतिक्षा तितिक्षा मतलब धैर्य, धैर्यवान, तब जिसको धैर्य है, आई मीन लाइक स्टेबल पर्सन, स्टेबल और पर्सन। हाँ, और उपरीति का मतलब माता जी कि जो कोई भी परिस्थिति में है, वो जैसे कि थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसको उस सिचुएशन में एकदम वो चेंज नहीं होगा, उसके अंदर में मतलब वो कंट्रोल कर सकता है अपने आप, तो ये ज्ञान से, ये जो जो ज्ञान सुख में और दुख में एक ही प्रकार के हो, प्रभु जी, जो सुख में और दुख में एक ही हाँ प्रकार से रहे हैं, हाँ सामान्य भाव से, सामान्य भाव से। यस यस प्रभु, कुकृति को प्रभु जी एक बार और बताइए, कुकृति को। उपरीति मतलब कि अभी प्रभु जी, आप एक बार प्रभु जी बोलिए एक बार, श्रीनिवास प्रभु जी। जो मनुष्य सुख में और दुख में समान तरीके से हैं, और मतलब कहने का मतलब है कि, हाँ बोलिए मतलब माता सुख में और दुख में जी, स्थिर मतलब अगर रहते हमें हैं, दुख भी आया और सुख भी आया, सुख में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में ज्यादा दुखी और डिप्रेस दुखी नहीं नहीं होना होना चाहिए। हाँ चाहिए। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही बोला माता। समभाव, हाँ सर समभाव, प्रभु जी, समभाव प्रभु, हाँ संभव संभव, प्रभु। संभव करेक्ट, लेकिन शब्द का उपरीति, क्योंकि शब्द जो है वो संस्कृत से आता है ये जितने भी ज्ञान के ये जो पांच जो ये है ना गुण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये हम लोग को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, आप लोग लिख के रखे और हमेशा कभी कोई सोचिए, मनन करते रहिए, तो आप लोग को हेल्प मिलेगा। हाँ सरस माता जी बोलिए, उपरीति हाँ मीन्स इन इंग्लिश व्हाट वी कॉल प्रभु जी, उपरीति माता जी, मीन्स व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश प्रभु जी। इंग्लिश माता जी, ओके आई विल सेंड यू, एक्चुअली आई डिड नॉट, वन मिनट माता जी, आई थिंक प्रभु प्रभु ओके माता जी, मैं आप मैं ढूंढ कर ना आपको थोड़ा सा भेज दूंगा, ठीक है? ओके प्रभु जी, प्रभु जी क्या आप ग्रुप में भेज सकते हैं, ग्रुप में भेज दीजिए हम माता जी, सबको हाँ पता ग्रुप ग्रुप चलेगा। ग्रुप में भेज देंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी किनके? हाँ, वो रिकॉर्डिंग एक्चुअली में माता जी ने भी, पद्मावती माता जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैं आज बात करके प्रभु जी, कल अपलोड मैं कल कोशिश करूंगा कि
जो पिछले 2-3 सत्रों का, जो 1 सत्र का तो मेरे ख्याल से आया था, और बाकी के सत्रों का जो नहीं आया है वो मैं पोस्ट करने का उनको रिक्वेस्ट करूंगा। डिवोटी है और उनको बोलेंगे कि भक्ति योगा ग्रुप में ये प्रभु अभय प्रभु जी। प्रभु मैं निखिल निखिल प्रभु से बात करता हूँ। हाँ निखिल प्रभु से आप बात करके और बोलिएगा कि तत्क्षण जो है वो इसको करें, क्योंकि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो थोड़ा सा वो कर लेंगे। ठीक है जी, गौरंग गौरंग वाणी में आ गए प्रभु जी। प्रभु मैं नहीं इसी इसी ग्रुप में डल जाएगा प्रभु। आप जो अच्छा, आप इसी ग्रुप में अपना लिंक, हाँ लिंक शेयर होता है ना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक। हम लोग का जो ये हमारा जो ये ग्रुप है ना, हमारे जितने भी हैं, हम लोग इस ग्रुप को सेक्लूडेड ग्रुप, हमारा हिंदी का एक ग्रुप है, इसको हम लोग रखेंगे, इसी में आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं प्रयास कर रहा था आज भी, मैं एक्चुअली में कुछ ऑफिस के कार्य से मैं रह गया, मैं बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने अभय प्रभु को बोल दिया ये बात कर लेंगे। और अभय प्रभु कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे बोलिएगा, मैं भी बात करके उसको ये करेंगे, स्ट्रीमलाइन करना है प्रभु। ठीक है मैं उसको बात करता हूँ प्रभु। वो ज्यादा अगर उतना क्रिटिकल, ये क्या बोलते हैं, एडिटिंग ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तो मैं करके खुद ही। हाँ ठीक है ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु जी मैं भी हाँ बोल बोल माता जी। नहीं प्रभु जी मैं भी यही बोल रही थी रिकॉर्डिंग का कि प्रभु जी मेरी मंद बुद्धि, मेरा हाथ भी मंद, और मैं बराबर पॉइंट्स लिख ही नहीं पाती हूँ। मैंने जो लिख रखा है उसमें मुझे नहीं समझ रहा है कि मैं क्या लिखी हूँ। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज और भूल गया था। ये वही मैं सोच रहा था कि मेरे याद आ रहा था कि 5 नहीं है, मैंने कहा ना 6 समाधान, ये वर्ड मैं भूल रहा था, समाधान। हाँ तो क्षमा दमा उपृति तितिक्षा, क्षमा दमा उपृति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। समाधान और ये कैसे, ये जो ज्ञान है जो वो कैसे प्राप्त होगा वो मैं इसको बस, जैसे हम सब लोग कहते हैं ना कि अब ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या है कि ज्ञान कैसे होगा, कंट्रोल है ये हमारे, और खासकर जो क्षमा और दमा बोलते हैं ना, कि दमा का मतलब एक तरह का ऑस्टेरिटी, थोड़ा सा हम लोग को ऑस्टेर होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास के शुरुआत में बोला आप लोगों से कि हम लोग किसी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिलेटिव के घर पे जाते हैं और रिलेटिव के घर पे जाने के बाद वो हमसे कहते हैं, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनको दुख नहीं देंगे, हम याद और पहले से हम उनको बोल, अगर बोल के रखे, भगवान का भोग जब लगता है तो वो ही हम सब लोग खाते हैं। तो मान लिया जाए कि कुछ ऐसी परिस्थितियों में हम किसी रिलेटिव के आ गए, तो हमारी ऑस्टेरिटी होनी चाहिए कि हम जो है उस चीज को ग्रहण ना करें, और ना तो उनसे ये बोल सकते हैं कि कृपया करके आप मुझे 1-2 फल उपलब्ध करा दीजिए बिना कटा हुआ, बिना कटा हुआ, जो कि आप भगवान को ध्यान पूर्वक अपने मन से अर्पित कर आप उसका वो आप खा सकते हैं। तो हम लोग ये सब ये ऑस्टेरिटी, इस ऑस्टेरिटी को करने से क्या होता है, कृष्ण भगवान भगवान समझते हैं कि ये बच्चा जो है प्रयास कर रहा है, ये अपने अंदर में जो विकार है उसको उसको शुद्ध करना चाह रहा है, तो उससे उसके जीवन में अध्यात्म का जो है प्रोग्रेस होता है, अध्यात्म की तरफ में उसकी जो कहते हैं ना श्रद्धा, तो श्रद्धा जो है तो बढ़ती है, और वो और बढ़ती है जैसे जैसे करके हम आगे बढ़ेंगे, तो हम सब लोग भक्ति लता भी जाए, नवधा भक्ति है, बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सब लोग ये गुरु अष्टकम के पहले 4 स्टैंजर्स हैं, फिर हम लोग गीता का आएगा, मैं आप लोगों के ग्रुप में भी डाल दूंगा वो एक प्रिंट, और मैंने ऑलरेडी है प्रभु, प्रभु है ऑलरेडी, एक्सेल है ऑलरेडी। अच्छा अगर किसी को हाँ, अगर किसी को एक्सेल ये नहीं हो रहा हो तो बता देगा तो मैं उसको PDF या फिर JPG में कन्वर्ट करके डाल दूंगा। अच्छा उस दिन माता जी लोग को मैंने रिक्वेस्ट किया था, उर्मिला माता जी ने फाइनली वो देख ली थी, गूगल शीट ओपन करना है तो आप लोग गूगल शीट को ओपन करके देख सकते हैं। एक्चुअली वो सत्र आज का ही था, लेकिन क्या है कि ये सब जो इम्पोर्टेंट श्लोक सब है ना, उसका अगर हम लोग मीनिंग अच्छा हाँ आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन मुझे पूछना है,
अभी आप लोग का कोई और क्वेश्चन नहीं है? प्रभु जी, दमा को हिंदी में ही, मतलब वो तो संस्कृत में, हम नॉर्मल भाषा में किसे बोल सकते हैं दमा? हाँ, ऑस्टेरिटी माता जी, ऑस्टेरिटी मतलब तप, 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 जैसे अंदर से हम सब, हम लोग एकासी करते हैं, हम लोग नॉर्मल प्रसाद नहीं खाते हैं, तो हाँ वो एक तरह का दमा है, मतलब अपने ऊपर पे कंट्रोल। ठीक है प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। हरे कृष्णा जी, बोलिए। जी, मेरा सवाल है, जो स्पिरिचुअल बॉडी है आत्मा के बाहर जो है, तो माया आत्मा आत्मा को टच नहीं कर सकता, माया स्पिरिचुअल बॉडी के साथ ही खेलता है ना, माया का लिमिट ठीक उधर है, तक है, मतलब वही मेरा सवाल है, मतलब लाइक आई वांट टू कंफर्म कि माया माया हमारे सूक्ष्म शरीर पर ज्यादा आघात करता है प्रभु जी। जी एग्जैक्टली, क्योंकि सुन के मुझे वैसा ही मतलब ये हुआ, उपलब्धि हाँ, हुआ यस। जब माया कहाँ प्रभाव करेगा, मन बुद्धि अहंकार जी किसी, जी इसलिए राइट स्थूल शरीर तो बेचारा शरीर है, बनता हाँ बिगड़ते रहता है, जी सूक्ष्म शरीर पर ही हमारा ज्यादा पर, और इसीलिए सूक्ष्म शरीर पर इंप्रेशंस, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ऐसा इंप्रेशन आ जाएगा, वो बिल्कुल इंप्रेशन जो है इम्प्रिंट होगा, और हम आत्मा एक शरीर को धारण कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, तो अगर आप लोग का प्रश्न नहीं है तो मेरा ये प्रश्न है कि जो सत्र चल रहा है उससे आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से फिर मैं अपने लेक्चर्स में बदलाव करने को, हम लोग क्योंकि लंबी यात्रा है थोड़ी, तो अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ भाषा में दिक्कत हो रही हो, या फिर कुछ ऐसा चीज है जिससे कि आप लोग को और समझाने में मैं कोशिश करूं, प्रयास करूं, तो आप लोग बता सकते। नहीं कुछ प्रभु जी, प्रॉब्लम तब नहीं प्रभु होगी, जी अभी तक तो नहीं है, अगर तब जब होंगी तब हम आपको पक्का बोलेंगे, कोई हम प्रॉब्लम यहाँ नहीं पे है पहुंच सर, गए, आप सहायता ठीक करिए। नहीं ठीक। हाँ, अभी निसंकोच बिना किसी भी व्यवधान का आप लोग बोल सकते हैं, और ये जो हमारा जो अपना ग्रुप है, इस ग्रुप में मैं किसी चीज को भी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन बस आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग सत्र ज्वाइन करते रहिए। हाँ, अब कोई ऐसा बहुत ही वैवस्विक कारण आ गया हो, समथिंग कुछ ऐसा है जैसे माता जी ने बताया था फोन करके, तो वो क्षम्य है, उसके लिए कोई कोई क्लास करने का मतलब है कि हमारा सीक्वेंस जो है वो टूटे नहीं आप लोगों के लिए। मैं बोलना चाहूंगा तो मैं बोलता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ चीजें, हो सकता है कि बीच में कभी कभार आधे घंटे का या फिर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मुझे कुछ क्लास बताकर सेशन को एक ये करके रखना पड़ेगा, तो वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप लोग मुझे आधा घंटा ऐसा दे सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि सत्र 1 घंटा से मैक्सिमम 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में समाप्त हो जाए, लेकिन ये ऐसी चीज है कि सब लोग के साथ बैठकर शेयर करने की इच्छा होती है, शेयर करने का इसका मतलब कि अपने अपने जीवन के कुछ पहलुओं पर, समाज में जो हो रही है उसके प्रति, और आप लोगों से भी जानकर, तो इसलिए उस शेयरिंग में क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है, तो मैं ज्यादा आप लोग का समय ना लेते हुए और यहीं पर मैं सत्र को समाप्त करता हूँ। और आज बुधवार है, हम सब लोग शुक्रवार और शनिवार, तो शुक्रवार को हम लोग प्रयास करेंगे 4 जो अष्टकम के जो स्टैंजर्स हैं, जो पद है, उसके ऊपर में हम लोग चिंतन मनन करेंगे, बहुत जरूरी है। इसलिए आप सोचेंगे कि प्रभु जी गुरुअष्टकम का बताने का क्या मतलब है, उस दिन मैं बताऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे अध्यात्म जीवन, और वो उसी दिन मैं बोलूंगा, अभी बोलूंगा तो आप, इट विल नॉट बी एन इंटरेस्टिंग सेशन, उस दिन मैं बताऊंगा क्या कारण। हाँ माता जी, पूछ लीजिए आप ही। प्रभु जी, मेरी भी आपसे निवेदन है कि कृपया रिकॉर्डिंग हाँ, वो भेज रिकॉर्डिंग का तो मैंने दीजिए, बता दिया ना अभी। क्योंकि प्रभु जी मुझे पॉइंट्स लिखना है, मुझे नहीं होता है क्लास चलते वक्त लिखना, अच्छा, कोई मेरे बात हाथ नहीं है, दूसरे ठीक काम में चलते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझको जितना जल्दी हो सकेगा उसको मैं स्ट्रीमलाइन करने का कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर मैं अपना गौरांग वाणी का जो उसमें वो चालू कर। हाँ माता जी, बोलिए आप। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दिस जी क्वालिटीज व्हाट वी हैव डिस्कस, क्षमा दमा,
दीज आर द एक्चुअली क्वालिटीज ऑफ ज्ञान प्रज्ञा ज्ञान डिसाइपल ज्ञान हु आर इंटरेस्टेड टू गेट नॉलेज दे हैज टू बी दिस हैव दिस क्वालिटीज राइट नो माता जी पीपल हु आर नॉलेजेबल लाइक हु हैव नॉलेज ओके दे हैव गॉट दिस सिक्स क्वालिटीज विथ नॉलेज दिस सिक्स क्वालिटीज डेवलप्ड इन द पर्सन ओके 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 प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी माता जी हरे कृष्ण धर्मेश प्रभु जी हरे कृष्ण बोलिए हरे कृष्ण प्रभु जी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट बताएंगे एंड ऑफ द सेशन में वही मैंने बताया ना कि बीच में माता जी से जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था बच्चों ये जो हम लोग का जो ज्ञान का जो मैं बोला था ना कि बच्चों के बारे में आप सभी लोग के जितने भी बच्चे हैं और मैं उन लोग को उनके जीवन क्योंकि हम उनको क्या दे के जाएंगे इसके ऊपर में हम सब लोग को अपना विवेक लगाना चाहिए हमें सही ज्ञान उनको दे के जाना है और हम अपने ज्ञान को कैसे वो है तो हम लोगों को खुद थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा और बताना है बच अब मैं निश्चित बता रहा हूं दी कि भाई गीता पढ़कर कोई सन्यासी अरे हमारा कोर्ट में चाहे कहीं पे भी गीता का नाम लेकर ही काम किया जाता है तो गीता मनुष्य के जीवन को जीने का तरीका बताता है ये नहीं कि लोगों के मन में हो गया कि गीता पकड़ा तो सन्यासी हो गया अरे अगर मान लिया जाए प्रभु जी कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं जीवन में रिक्वायरमेंट्स क्या है लेकिन हम अपने रिक्वायरमेंट को अपने भौतिकता के कारण बढ़ाते रहते तो इसीलिए मैं वही बोलना चाह रहा था मैं कि हम सब लोगों को कर्तव्य पथ पर रहकर प्रभु जी अपने बच्चों को भी ज्ञान बचपन से देना है और वो बच्चे ही आप अगर सोचेंगे ना वही बच्चे अपने माता पिता के बारे में भी सोचते हैं लेकिन अगर आप नहीं देंगे उनको बोध ही नहीं होगा कर्तव्य बोध नहीं होगा तो फिर वो तो आप आजकल आप देख ही रहे हैं हजारों हजार संख्या में वृद्धा आश्रम खुल रहा है उनको मालूम ही नहीं होगा कि जीवन का क्या मकसद है जीवन में हमें क्या कर्तव्य मेरा कर्तव्य क्या है मेरा दो तरह का हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी मैं अभी चालू होगा तो लंबा हो जाएगा मैं इतना ही बोलने के लिए कि हम सभी कोई को अपने बच्चों को सही पथ सही राह दिखाना है ठीक है प्रभु जी थोड़ा समय निकाल कर उनको इस ज्ञान का बोध कराना चाहिए प्रभु जी आप मानेंगे नहीं मान मेरा सन 15 साल का है अच्छा और वो मुझे इस्कॉन लेके आया तो आप धन्य he has read the entire Gita. He follows the Solamala, घंटी पहन लिया है माला करते हैं धन्य है प्रभु आप दसवीं में है अभी है? अभी तो 10th स्टैंडर्ड में है और उनको ना आप सब लोग प्रेरणा देते रहिए प्रभु और उसके साथ मंदिर जाते जाते हम लोग पूरा फैमिली एक भक्त कृष्ण का कितने हरी बोल प्रभु जी वेरी लकी प्रभु जी धर्मेश प्रभु की जय हो और आपके पुत्र का भी जय हो मैं यही बोल सकता हूँ एक एक व्यक्ति घर में अगर कृष्ण भक्त है तो वो अपने साथ साथ आगे का और पीछे का सबका कल्याण कर देता है तो आप धन्य है और जब मैं कभी अपने बात करता हूँ हमारे जो भी हैं हमारे ग्रुप में पद्मजा माता जी हैं हमारे भाई प्रभु हैं सब आप लोग के साथ में भी जुड़ने का आप लोग भी मेरा परिवार ही है तो जब भी मैं सोचता हूँ तो माता पिता की बहुत बड़ी कृपा है जैसे कि आपने कहा कि आपके पुत्र ने लेकिन मैं ऐसा जानता हूँ क्योंकि आपने उनको ऐसा साधन उपलब्ध कराया जिसके कारण से उन्होंने ऐसा डेवलप आपने अपना आपने आपको लाया वो तो बोलने की बात है आप लोगों ने ही उनका सृजन किया है मेरे माता पिता अगर मेरी सृजन नहीं करते तो मैं भक्ति कैसे करता और भक्ति करने का मतलब क्या कि लोगों को सोचा मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ क्योंकि किसी मैं प्लेन में बैठा होता वो एक व्यक्ति मेरे बगल में तो बोलते कि आपका ड्रेस क्या ऐसे ही रहता है क्या बोले हाँ मेरा ड्रेस ऐसे ही रहता है मैं धोती कुर्ता ही पहनता हूँ जो कि परिवेश हमारे संस्कृति का पहचान
बोले लेकिन आप बोल रहे थे कि आप तो ऑफिस में काम, बोले ऑफिस में मेरा यूनिफॉर्म है जो कि कंपनी ने मुझे दिया है, वो मैं पहन के जाता हूँ, वहां का कर्तव्य बोध मुझे मालूम है, जो जो और ये जो जो है ये भी मुझे मालूम है, तो ये जो मुझे कहाँ पर क्या पहनना है, क्या क्या कैसे अपने आप को पेश आना है, वो एक सी मनुष्य एक जीवन सरल जीवन जिए, कहते हैं ना वो क्या है इंग्लिश में कहावत, हाई थिंकिंग सिंपल सिंपल लिविंग, ठीक लिविंग हाई थिंकिंग है। हाँ तो मैं उल्टा कर दिया क्या, मतलब कि हमारा लिविंग जो है, अगर हमारा थिंकिंग हाई होगा तो हमारा लिविंग भी सिंपल होगा, बिना ज्यादा लाप लपेट का, बिना ज्यादा कुछ आडंबर का, और हृदय भी सा हृदय तो एकदम स्वच्छ रहेगा, जितना सिंपल आदमी रहे उतना ज्यादा, जिसको ज्यादा पेच होता है ना बात करेगा तो आंख में आंख मिला के बात नहीं करेगा, वो ऐसा बात करेगा ऐसा बात करेगा, वो देखेगा ही नहीं यार, आंख में आंख मिला के देखने का मतलब कि वो ऐसे कहा जाता है कि मतलब कि सीधा बात कर प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया, मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और हम सब लोग फिर शुक्रवार को हम लोग जुड़ेंगे, आप सभी लोगों को शुभरात्रि, और भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी आप लोगों के जीवन में हर समय में हर क्षण में रहें, आप लोगों का मार्ग प्रदर्शन करते रहें, नरसिंह देव आप लोग को स्वस्थ रहें, जब हमारे गौर निताय जो हैं वो प्रेम बढ़ाते रहें, और श्री प्रभुपाद का कृपा हमारे ऊपर में हमेशा रहे, और गुरु परंपरा की कृपा रहे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च सवितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो सभी वैष्णव नमः। वृंद की माताएं और प्रभु जी आप जय सबका जय। हरे जय कृष्णा, श्री प्रभुपाद। हरे श्री कृष्ण प्रभुपाद प्रभु की जय। हरि शुक्रवार को बोल बिना प्रभु। समय वेस्ट किए हुए ज्वाइन 8:30 बजे कर लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम, प्रभु जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रभु कृष्णा जी, आप ज्वाइन किया, हरे कृष्णा थैंक यू हरे आपको, कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा।